हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस जेई मेन रिविजन कोर्स फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस आई एम अभिषेक कुमार फिजिक्स एच एट वीएमसी एंड मैंने अपना बीटेक किया है आईआईटी दिल्ली से तो वीएमसी की टीम आप लोगों के लिए जो ये एक रिविजन कोर्स चला रही है आई होप सब लोग इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं बहुत ही एफर्ट से हम ये कोर्स ला रहे हैं आपके लिए इसमें हम सारे ही मेन रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं जेई मेन के एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं तो अगर आप इनको बहुत ही अच्छे से रिलीजियसली अगर फॉलो कर लोगे तो यू विल सी कि आपका जो नेक्स्ट डे मेन अटेम्प्ट होगा उसमें रिजल्ट्स में काफी इंप्रूवमेंट होगा तो अगर आपको हम लोगों का ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्प्रेड द वर्ड आप इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और विद्या क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें तो आज के इस वेबिनार में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में मैग्नेटिज्म की मैग्नेटिज्म तो में दो चैप्टर्स जो एनसीईआरटी में है करंट एंड मैग्नेटिज्म किया है और एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है जैसे कि इसमें जनवरी एंड अप्रैल सेशन दो का जो था उसमें एट पेपर्स में फोर्टीन क्वेश्चन uh, एक बार आए हैं और एक बार आए हैं एट पेपर्स में सिक्सटीन क्वेश्चन तो आप लगभग देख रहे हो दो दो क्वेश्चन आए हैं 20 वाले सेशन में भी छह पेपर्स में नौ क्वेश्चन आए हैं और हर पेपर में पच्चीस क्वेश्चन ही था बट स्टिल होंगे तो काफी अच्छे हैं कि आपका भी भी जो जो होगा उसमें भी इस से जो दो का कॉम्बिनेशन है इससे दो क्वेश्चंस आ जाएंगे और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होते एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है तो आप ये पूरा ही डिस्कशन अच्छे से अटेंड करो तो फिर आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे तो मैंने इस चैप्टर का जो डिस्कशन है उसको सिक्स पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यहां मैं लिस्ट डाउन किया है पहले पार्ट में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है किस तरह के बॉडीज के कारण वो देखेंगे दूसरा हम डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज होता है तो उस पर फोर्स लगता है उसका मोशन कैसा होगा उसका डिस्कशन करेंगे और फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर्स तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा फिर उसके बाद मैग्नेटिक डाईपोल अर्थ मैग्नेटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ये डिस्कशन करेंगे तो जो मैग्नेटिजम मैटर वाला चैप्टर है उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है और बार मैग्नेट्स होता है तो बार मैग्नेट्स वाला मैग्नेटिक डाइपोल में कवर हो जाएगा और बाकी फिफ्थ एंड सिक्स अलग से हमने बना रखा है तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज द लॉ बायोडसेवर्टलॉ लॉ ये एक्सप्रेशन देता है ये एक्सप्रेशन होता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करेंट कैरिंग एलिमेंट देता है स्मॉल करेंट एलिमेंट तो उसका याद होता है जहां पे DL का मतलब क्या यहां पे दिखा रखा है छोटा सा एलिमेंट ले रखा है तो बहुत छोटा लेंथ होगा तो लेंथ के करस्पॉन्डिंग हमने एक कर दिया है, जिस वेक्टर का मैग्निच्यूड होगा इस इसके लेंथ के बराबर और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट

इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना है वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डीएल इन टू आर और इन टू साइन ठीटा अब साइन ठीटा में एंगल होगा क्रॉस कर रहे हैं तो डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर तो वो यहां पर इस डायग्राम में ये वाला एंगल थीटा है और अपॉन नीचे में आर आएगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसमें हम इस आर से इस क्यूब को कैंसिल करके स्क्वायर बना सकते हैं तो ये मैग्नीट्यूड आ जाता है डायरेक्शन कैसे आता है तो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट रूल से आता है डायरेक्शन आता है बाई क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना आता है ना तो उसमें हम क्या है? right करते हैं कि राइट हैंड रूल यूज करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में राइट right हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं और सेकंड डायरेक्शन की तरफ कर्ल करते हैं तो अगर यहां पे मैं दिखाऊं कि ये मेरा अगर डीएल वेक्टर है और ये अगर आर वेक्टर है ये डीएल और ये आर वेक्टर तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करोगे और सेकंड वेक्टर की तरफ करोगे तो वो इस डायग्राम में अगर देखें तो यहां पर इंटू द्लेन यहाँ पी तो तो पॉइंट पे, पे अगर ये एलिमेंट इस प्लेन में है तो इस डीबी वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा इंटू द प्लेन तो ये एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड देगा और अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी नेट किसी भी वायर के कारण तो हमें इन सारे एलिमेंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और ये जो इंटीग्रेशन है ये वेक्टर वेक्टर एडिशन है है vector, हमें करना यानी कि डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है वेक्टर एडिशन है सारे एलिमेंट्स के फील्ड को हम विक्टोरियली जोड़ेंगे तो इसके बाद डेरिवेशन कर करके अलग अलग केसेस में रिजल्ट्स आया आपने ड्राइव कर रखा होगा तो अब हमें उन सारे रिजल्ट्स को याद रखना है तो जो जो मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं मैंने उन सबको एक साथ लिस्ट डाउन कर लिया है तो आप बस इतना देखोगे और इसको याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा अच्छा म्यूनोटन फोर पाई क्या है यहां पे पर म्यूनोडपन फोर पाई कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है टेन टू द पॉवर माइनस सेवन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वन बाई फोर पाई एपसाइलन नॉट एक कॉन्स्टेंट होता है मैग्नेटिज्म में वो कॉन्स्टेंट म्यूनोडपन फोर पाई होता है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इंपॉर्टेंट केसेज में तो पहले मैंने यहां पर दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करिंग कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है ये कॉस में लिख रखा है जहां पे एंगल्स वगैरह दिखा रखे हैं या फिर एक होता है हम साइन में भी लिखते हैं तो साइन में लिखने के लिए फिर अगर मैं इस वाले एंगल को लेट से थीटा वन बोल दूं और इस वाले एंगल को अगर थीटा टू बोल दूं तो फिर एक साइन में भी ऐसा बन जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर लिख रहे हैं तो म्यूनॉट आई जो भी करंट है आई अपॉन फोर पाई आर टू भी एक साथ ले लिया और ये आ जाता है साइन थीटा वन प्लस साइन ठीटा टू ये मैग्नेटिक फील्ड आता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा तो वो डीएल क्रॉस आर से आ जाएगा या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका ही होता है कि अगर स्ट्रेट वायर्स है तो स्ट्रेट वायर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो निकालने का तरीका है कि स्ट्रेट वायर में जिस डायरेक्शन डायरेक्शन में में करंट जा रहा उस अपने राइट हैंड के थंब को ले जाओ और फिंगर्स को कर्ल करो तो फिंगर्स जिस तरह से कर्ल होती है उस तरह से उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है तो कर्ल करके अगर देखोगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन जा रहा होगा तो इनफैक्ट ये होता है कि अगर ये वायर जिस भी प्लेन है इस प्लेन के राइट साइड में राइट right साइड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होता है और इस वायर के लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आउट ऑफ द प्लेन होता है ऐसा कुछ होता है तो ये आई है डिस्टेंस दिस इज आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को यूज करके फिर स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के कारण निकालते हैं इनफाइनाइट वायर हो जाएगा तो ये यहां पे जो मैंने डिग्री हो जाएंगे तो वहां से फिर साइन नाइन प्लस साइन नाइन टू हो जाएगा जिस भी सेंस में कर्ल हो रहे हैं उसी सेंस में फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हर जगह पे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे सर्कुलर लाइंस होती हैं और सर्कुलर लाइंस जिस प्लेन में होती हैं वो प्लेन वायर के परपेंडिकुलर होता है और उस सर्कल का सेंटर वायर पे होता है तो ऐसी फीडलाइंस यहां पर दिखा रखा है अच्छा एक केस और होता है सेमी वायर अगर वो भी मैं यहां लिख सेमी वायर तो सेमी वायर अगर देखे, तो उसमें बेसिकली अगर मैं बनाना चाहूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि करंट इसमें जा रहा है सेमी इंफिनाइट वायर का भी लेंथ तो इंफिनिटी होता है, है। लेंथ तो इंफिनिटी होता है लेकिन इसका एक एंड पता होता है और जो एंड पता है उससे अगर मैं

म्यू नॉट आई अपॉन फोर बाई आर एक टर्म साइन थीटा वन जीरो और साइन थे वन तो म्यू नॉट आई बाई फोर बाई आर तो इसको भी याद रखना है ये भी कभी कभी एग्जाम में यूज होता है नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करेंट लूप तो सर्कुलर करंट लूप यहां पे दिखा रखा है इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक पॉइंट होता है सेंटर तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का ही होता है एक लूप अगर होता है तो मिनोटाई बाई टू आर होता है अगर एन टर्न लूप में यहां पे एन जो है दैट इज नंबर ऑफ यहां पे एन टर्न्स है, एन टर्न्स है आई करेंट इन द लूप है आर इज द रेडियस ऑफ ऑफ लूप और एन टोटल नंबर है तो एक टर्न के कारण होता है मिनोटाई बाई टू आर तो टोटल नंबर ऑफ टर्न एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा यह आ गया सेंटर पे और एक एक्सिस वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है तो एक्सिस वाले एक पॉइंट पे भी याद रखना है तो ये फॉर्मुला थोड़ा क्रिटिकल है इसको ध्यान रखना है तो आई, टू, का पावर थ्री बाई टू होता है जहां पर एक्स होता है अगर मैं इस डायग्राम में दिखाना चाहूं तो एक्स हो जाएगा कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे हूं एक्सिस पे तो इसका इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो एक्स है डिस्टेंस दिस है सेंटर से तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस होता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है दैट इज वही सेंटर और एक्सिस वाला पॉइंट तो सेंटर और एक्सिस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए इस बार एक शॉर्टकट तरीका ये है कि सर्कुलर लूप अगर है तो सर्कुलर लूप है तो अपना राइट right हैंड लो और जिस डायरेक्शन में उस लूप में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो जैसे यहां पे अगर दिख रहा है तो फिंगर्स को अगर कर्ल करोगे तो थम्प जिस डायरेक्शन में जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एज वेल एज ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस कुछ ऐसा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस लाइन की बात करें जो एक्सिस वाला लाइन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऊपर की तरफ होगा ये ऊपर की तरफ वाला डायरेक्शन कैसे मिल रहा है तो हमने करंट डायरेक्शन में राइट right हैंड के फिंगर्स को कल्ड किया करंट डायरेक्शन में कल्ड किया तो थंब ऊपर जा रहा है तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं सर्कुलर लूप में अगर पूरा लूप के बजाय एक सर्कुलर आर्क है यानी कि लूप कंप्लीट नहीं है तो फिर ये होता है कि एक लूप के कारण मिनोटा होता है मीनोटाइ बाई टू आर एक पूरे लूप के कारण होता है पूरे सर्कल के कारण तो अब सर्कल का वो जितना फ्रैक्शन है मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही टाइम्स हो जाएगा तो सर्कल का फ्रैक्शन बताने के लिए अगर ये आर्क सेप्टेंड कर रहा है एंगल अल्फा एट द सेंटर तो ये अल्फा अपॉन टू पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली दिस अल्फा अपॉन टू पाई इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सर्कल तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही फ्रैक्शन हो जाता है जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा है हाफ सर्कल हाफ सर्कल

तो ये यहां से यहां बिल्कुल सोलोइट का ऊपर सोलोन दिखा रखा है तो ये बिल्कुल लगभग अंदर वाला पार्ट है तो इस वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी के बराबर है B ni है लेकिन अब जैसे जैसे एंड्स की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है और इनफैक्ट बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे एक एंड पे चले जाते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यूनट एनआई बाई टू होता है हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड साइड होता है इसीलिए मैंने इसको यहां पे लिख रखा है मीनोट एनआई बाई टू होता है सिमिलरली इस वाले एंड पे भी अगर एंड पे चले जाओगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज एनआई बाई टू बट कुछ नहीं बोल रखा तो है तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा यही मानते हैं कि हम सोलोनॉइड के काफी अंदर वाले पॉइंट्स पे हैं तो वहां पे पर मैग्नेटिक्ड म्यूनोट होता है बट ये कभी अगर आ गया है पूछ ही दिया गया एग्जाम में कि बिल्कुल एंड पे क्या होता है तो वो म्यूनोट एनआई बाई टू हो जाएगा तो इस रिजल्ट को भी थोड़ा ध्यान रखना है सोलोनॉइड के बाद एक इंपॉर्टेंट होता है टोरॉइड तो टोरॉइड बेसिकली सोलोनोइड ही होता है कि एक लॉन्ग सोलोनॉइड है लॉन्ग सोलोनॉइड है ऐसा सोलोनोइड है और उस लॉन्ग सोलोनॉइड को अगर हम पूरा ऐसा मोड़ के एक सर्कल बना देते हैं

तो ये टोराइड का अगर रेडियस ये वाला रेडियस टोराइड का अगर दिख रहा है ये वाला रेडियस अगर आ रहा है तो जिस लेंथ का टोटल टोराइड है दैट इज द दिमिट ऑफ दिस सर्कल तो वो हो जाएगा 2 r. तो लेंद लेंद टू पाई टू पाई तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन अपॉन पाई लेर होगा तो फील्ड या तो इस फॉर्म में याद रखो या फिर म्यू मीनोट एनआई के फॉर्म में याद रखो तो बेसिकली टोराड के अंदर फील्ड वही है जो सोनॉइड के अंदर था बस ये होता है कि मैग्ने फील्ड लाइंस वो सर्कुलर फॉर्म में बेंड हो जाती है टोराइड के अंदर ठीक है एक और इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर कि अगर कोई वायर है और वायर के अंदर वायर थोड़ा थिक वायर है तो एक सॉलिड सिलेंडर की तरह हो गया तो उसमें अगर पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट जा रहा है तो सॉलिड सिलेंडर में होता है कि करंट फ्लो करता है करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन होता है करंट फ्लोज थ्रू इंटायर क्रॉस सेक्शन थ्रू इंटायर क्रॉस सेक्शन सॉलिड सेंटर में इसको बोलेंगे कि यहाँ पे करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो करेगा पूरे क्रॉस सेक्शन में के फ्लो कर और फिर इसके का रिजल्ट के है? तो बाहर वाले पे एक वायर की तरह बिहेव करेगा तो मीनो टाइपर हो गया देखोगे तो मीनोटाइबाई आर हो गया अंदर वाले पॉइंट पे क्या होता है उसको थोड़ा याद रखना है तो उसके लिए रिजल्ट है ये रिजल्ट है या फिर अगर थोड़ा कन्वीनियंटली अगर याद रखो तो इस रिजल्ट को थोड़ा ये याद रख सकते हो कि ये वाला जो रिजल्ट है ना ये वाला रिजल्ट इसको याद रख सकते हो कि अंदर वाले पॉइंट पे जो होता है अंदर वाले पॉइंट पे ये होता है जे आर अपॉन टू, जे आर अपॉन टू। जहां पे जे हो जाता है करेंट डेंसिटी तो करेंट डेंसिटी यहां पर देखोगे तो इस वाले टर्म को ये जो करंट अपॉन टू पाई आर वाला टर्म टू पाई आर स्क्वायर वाला टर्म था करंट अपॉन टू पाई आर स्क्वायर यही जे है तो इसको म्यूनोट जे आर बाई टू के फॉर्म में याद रखते हैं तो इसका जो प्लॉट होता है एज अ फंक्शन ऑफ आर तो अंदर वाले पॉइंट पे एक्सिस पे बिल्कुल उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है और फिर वो लिनियरली बढ़ता है और फिर जाके बाद में वन बाई आर के अकॉर्डिंग घटता है तो ये ग्राफ भी भी ध्यान ध्यान रखना रखना और इन को भी रखना है हॉलो अगर सिलेंडर होता है तो हॉलो सिलेंडर में करंट फ्लो करता है ओनली ऑन द सर्फेस करंट फ्लोज ओनली ऑन द सर्फेस करंट फ्लूज ऑन द सर्फेस सिर्फ सर्फेस पे करंट फ्लो करता है सिर्फ सर्फेस पे यानी कि क्रॉस सेक्शन के अंदर कोई करंट यहां पे जो भी करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ इस सरफेस पे फ्लो कर रहा है ऐसे सरफेस पे तो फिर इसके कारण अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो रिजल्ट है बट ये सिलेंडर्स वाले भी तुम्हें ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं ये डिराइव कैसे होते हैं तो ये डिराइव होते हैं तो एम्पियर लॉ का देख लेते क्या होता है स्टेटमेंट होता है कि अगर कोई भी एक लूप कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, है तो B डॉट ds अगर करोगे बी डॉट डीएस यहां पर एक छोटा सा लेंथ लिया अच्छा इस लेंथ को एक डायरेक्शन असाइन करने के लिए हम लूप को एक डायरेक्शन कर देते हैं जिसको मैंने यहां पर डायरेक्शन के फॉर्म में दिखा रखा है इंटीग्रेशन अगर ऐसा है यहाँ पे कुछ ऊपर से अगर देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन तो फिर ये डीएस डायरेक्शन हो गया और डीएस का हमने बी के साथ डॉट वेक्ट्री लिया बी डॉट डीएस और इसको अगर हम पूरी लूप में घूम के इंटीग्रेट कर देंगे तो ये फिर हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं अब इसके अंदर जो करंट इंक्लोज हुआ जैसे इस सिचुएशन देखे हुए तो आई वन और आई टू इसके अंदर इंक्लोज हुआ है लेकिन आई वन आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है करंट और आई टू इंटू द प्लेन जा रहा है करंट

और आई टू फिर ये नेगेटिव हो जाएगा आई टू विल भी नेगेटिव ठीक है ये ध्यान रखना तो यहां पे ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इस लूप के लिए लिखना चाहे तो ये आगे बढ़ के हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इन टू आई वन माइनस आई टू यह आ जाएगा बी डॉट डीएस का इंटीग्रेशन तो इस बी डॉट डीएस को हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द लूप बोलते हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रल वो एरिया इंटीग्रेशन होता है ये लाइन इंटीग्रल है तो इसका कुछ अलग से नाम नहीं है ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है

इसके अंदर ऐसा एक लूप ले लिया इसको एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं एम्पीरियन तो एम्पीरियन लूप ले लिया और इस लूप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सर्कुलर लाइंस होंगी, होंगी और वो होंगी, से आ जाएगा वो और अगर सर्कुलर लाइन्स हैं तो फिर हम एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले लेंगे और एम्पीरियन लूप के अलाट डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो बी डॉट लूप अलॉन्ग हर जगह पे बी और डी एस के एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो यह आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कॉस हर जगह सॉरी नाइंटी डिग्री जीरो बी और डीएस दीज, जो है हमारे पास वो भी सर्कुलर है और फील्ड भी सर्कुलर है तो बी डी डीएस कॉस जीरो और हर जगह पे पर फील्ड बाहर आ जाएगा क्योंकि फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो बी बाहर आ जाएगा कॉस जीरो डिग्री भी बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रल ऑफ डीएस बन जाएगा और इंटीग्रल ऑफ डीएस आ जाएगा बी इंटू

तो फिर आइन क्लोज का मतलब हमें ये जो मैं भी शेड कर रहा हूं इस रीजन से कितना करंट जा रहा हमारा के अंदर ये वाला रीजन हुआ है तो, कितना जा रहा? वो लिखना है हमें. तो वो क्या बनेगार स्क्वायर करूंगा तो यह आ जाएगा करंट पूरे एरिया से जो जा रहा है उसको हमने करंट पर निकाल लिया और इनटू जितने एरिया से हमें चाहिए वो हो जाएगा पाईआर स्क्वायर ये बनेगा तो इसमें अगर देखोगे तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा एक आर से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर और इन टू स्मॉल आर तो ये वही रिजल्ट है आई थिंक ये एक बार देखो इधर दिख रहा है मैं इसको इधर दिखा दू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन तो यह बेसिकली वही है म्यू नोट टू जे आर बाई टू मी नॉट जे आर बाई टू तो ये जो हमने इधर पिछले स्लाइड में देखा था ना कि जो रिजल्ट था अंदर वाले पॉइंट के लिए तो ये रिजल्ट डिराइव डिराइव करने का तरीका ऐसे हम लॉ लॉ से करते हैं सर्किट ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये डिस्कशन कर लिया कि किस तरह के बॉडीज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये हमारा डिस्कशन हो गया तो अब हम इसके क्वेश्चंस करके देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं तो पहले मान लो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है ये एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर है फाइनाइट स्ट्रेट वायर इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे तो यहां पे ज्योमेट्री देखोगे अगर तो ये डिस्टेंस आर होगा ये जो परपेंडिकुलर है ना ये डिस्टेंस आर होगा फार्मूला क्या लगाना है हमें फार्मूला लगाना है ये फाइनाइट वायर के कारण होता है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू हमें ये फॉर्मूला लगाना है यहां पे आर ये हो जाएगा और यहां पे दिख रहा है आर कितना दिख रहा है ज्योमेट्री से अगर देखोगे तो ये सिक्स सेंटीमीटर है और ये पी वाला जो पॉइंट है दैट इज द बाई है परपेंडिकुलर बाई ऑफ ए बी है तो ये आर हो जाएगा वो फाइव साइड है और एक साइड इधर नीचे वाला है ये थ्री बन जाएगा तो फिर यहां पर आर की वैल्यू हो जाएगी फोर सेंटीमीटर आर फोर सेंटीमीटर हो जाएगा और साइन थीटा वन साइन थीटा टू दोनों ही यहां पे अगर देखोगे तो वो थीटा कौन सा होगा थीटा वन एंड थीटा टू ये दोनों एंगल्स हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो दोनों ही एंगल्स का साइन फिर थ्री बाई फाइव हो जाएगा तो बस वैल्यूज में डाल दो इसमें की वैल्यू पे वैसे गिवन है की नहीं तो याद भी रखना है करंट की वैल्यू कितना दे रखा है करंट है फाइव एम्पियर्स और अपॉन फोर पाई आर की जगह हम डालेंगे पावर माइनस टू डाला और साइन थीटा हो जाएगा थ्री बाई फाइव और एक और साइंटी थ्री बाई फाइव तो इंटू टू हो गया ये बन जाएगा तो यहाँ सब कैलकुलेशन बस करना है ये कैंसिल हो गया ये फाइव कैंसिल हो गया तो सिक्स अपॉइंट फोर आ रहा है और टेन टू दावर माइनस फाइव फाइव और सब कुछ एसआई में डाला है तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई ऐसा टेस्ला होता है तो ये टेस्ला में आ जाएगा ये टेस्ला में आ जाएगा ये हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन मैच कर लोगे बस ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट है ऐसा है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन यहां पर लिया हर क्वेश्चन का आंसर भी लिख रखा है साथ में तो कुछ कुछ क्वेश्चन के मैं कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा वो तुम खुद से कर सकते हो और आंसर मैच कर सकते हो कि क्या रहा है सही दूसरा एक ये एग्जाम्पल है इसमें हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड वन मीटर विच इज कैरिंग अ करंट ऑफ टेन एम्पियर तो सेंटर ये है ये सेंटर है तो इसमें करंट अगर कुछ ऐसा जा रहा है लेट्स से करंट

तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला एंगल हो जाएगा थर्टी डिग्री बिकॉज सेंट्रॉइड होता है सेंटर जो है हमें भी है हमें सेंटर बताना ना तो से अगर वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो एंगल बाइसे भी, भी होता है तो ये थर्टी डिग्री हो गया तो थीटा थीटा हमें जो चाहिए वो हो जाएगा सिक्सटी डिग्री तो फिर उस फॉर्मूले में जो फाइनेट वायर वाला फॉर्मूला है उसमें डाल देना तो बी वन क्या हो जाएगा बी वन बस म्यू नॉट अपॉन म्यूनोट आई अपॉन फोर पाई आर और इनटू Sin theta sin theta इसमें सारी वैल्यूज डालोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन करके आंसर मिल जाएगा तो तीनों के कारण में तो ये काफी कॉमन कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम होता है ये आ जाता है हर एक दो साल में आता है कभी ट्रेंगुलर दे लूप दे देंगे कभी स्क्वायर दे दे हेक्सागन दे, दे देंगे तो तुम करके देखना कि डू फोर ये सेम चीज रिपीट करना प्रैक्टिस करना बिकॉज ये एग्जाम में आएगा डू फोर स्क्वागन लूप हेक्सा लू ये दोनों के लिए खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है यह भी एग्जाम में आ सकता है तो हमने ट्राइंगल के लिए क्या इसी तरह से हो जाएगा स्क्वायर लूप है तो उसके चार साइड्स होंगे चारों साइड्स के कारण सेम होगा तो एक साइड के कारण निकालोगे और उसका फोर टाइम्स कर दोगे हेक्सागन में एक साइड के कारण निकालोगे और उसका सिक्स टाइम्स कर दोगे अब वो एक साइड के कारण कैसे निकलेगा तो एक साइड जो होगा दैट इज अ फाइनाइट वायर तो फाइनाइट वायर के लिए जो हमने फॉर्मला देखा है हमें उसी फॉर्मले को यूज करना है तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पकड़ना है क्या है और दोनों एंगल्स पकड़ने हैं कि क्या है उसके बाद फॉर्मला लगा के आ जाएगा इसके बाद एक ये देखें तो ये इनफिनिट वायर है दो इन्फिनिट वायरस है और मैग्नेट फील्ड एट पॉइंट पी पूछा है तो इसमें अगर देखोगे तो अगर मैंने से इस वाले वायर को वन बोल दिया और इस वाले वायर को टू बोल दिया जो वर्टिकल दिख रहा है उसको वन बोल दिया और जो हॉर्जिटल दिख रहा है उसको टू बोल दिया तो वन के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे हमसे पूछा गया उस पॉइंट पे तो b ड्यू टू वन जो होगा वो हो जाएगा म्यून इन्फाइनिट वायर है तो म्यूनोट आई बाई, बाई टू पाई आर होता है तो टू बाई डी हो जाएगा यहां तो करके देखो तो वो देखोगे तो वो इंटू द प्लेन आ रहा होगा वो इन टू प्लेन आ रहा होगा और जो सेकंड वाले के कारण होगा वो होगा म्यूनोट आई अपॉन टू पाई डी और वो कर्ल करके अगर देखोगे तो वो आउट ऑफ वो द प्लेन आ जाएगा तो फिर इस कारण से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बीपी नेट वो जीरो हो जाएगा

आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है ठीक है और जो दूसरा वाला है उसके कारण जो करंट है वो इनटू द प्लेन जा रहा है तो ये दो करंट कैरिंग वायर्स दोनों में इक्वल करंट है तो उस करंट की वैल्यू अगर हम आई मान लें तो ये करंट लेट्स आई है ये वाला करंट हमारे पास ये भी आई है दोनों करंट आई है अच्छा एक आसान पॉइंट पहले अगर देख ले आसान पॉइंट मान लो अगर ऑरिजिन लेते ऑरिजिन लेते ऑरिजिन पर अगर मैगनीफील्ड बताते हैं

और दोनों कारण एक ही डायरेक्शन में तो ट्वाइस और किधर है तो ये आई कैप के डायरेक्शन में तो ये यहां से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लेनी है तो यहां से पास होने क्या कि अगर देखोगे तो ये जो ज्वाइन कर रहा है तो इसी रेडियस का फील्ड लाइन होगा इस रेडियस का फील्ड लाइन होगा और कुछ ऐसा घूमेगा कुछ ऐसा घूमेगा तो अगर मैंने यहां पर के दिखाया तो ये कुछ ऐसा होगा यहां से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो ऐसा होगा ऐसा होगा ये ये हमने पी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है और वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा टाइम शेल तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और अगर ये R है तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड P की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी मैग्नीट्यूड वाइज म्यूनोट आई अपॉन टू पाई आर इन्फिनेट वायर है तो मिनोट आई अपॉन टू पाई आर क्यू वाले वायर के कारण हाँ यहाँ पे देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल तो रेडियस तो दिख रहा है इसी रेडियस का ऐसा सर्कल

तो क्यू के कारण मैग्ने फील्ड और पी के कारण दोनों कारण दिख रहा है और वाइज दोनों सेम ही होगा तो क्यू के कारण भी यही मैग्नीट्यूड होगा और नेट तो हो एंगल दिख रहा है उस एंगल से हमें ये दिख रहा है कि उनके कॉस कॉम्पोनेट ऐड हो जाएंगे और साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे तो टू बीपी की जगह डाल दोगे म्यूनोट आईअपन

टू इन्फानेटली लॉन्ग है और उनको 90 डिग्री बेंड कर दिया है जैसे ये वाला जो वायर है ये लॉन्ग है लेकिन 90 डिग्री बेंड कर दिया तो अगर मैं सिर्फ यहां से यहां तक देखूं सिर्फ यहां से यहां तक देखूं तो यहां से यहां तक वाला जो वायर होगा ये एक सेम इंफिनिट वायर होगा और यहां से यहां तक वाला जो वायर होगा ये अगेन एक सेम इंफिनिट वायर होगा तो पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड निकालना है और मैं ये डिस्टेंस यहां से इस डिस्टेंस को अगर मैं आर बोल दूं

इस वाले पार्ट के कारण जो एलपी पार्ट है तो एलपी पार्ट के कारण फील्ड जीरो होगा एसपी पार्ट जो है एसपी एसपी पार्ट के लिए अब ये वाला पॉइंट जो जो है जो हमने रिजल्ट देखा था कि सेमी इनफिनिट वायर के लिए ये कैसा पॉइंट है जो कि इसके जो एंड हमें पता है उस एंड से परपेंडिकुलरली लोकेटेड है तो यहां पे करने के लिए अगर मैं वायर स्ट्रेट वायर वाला रिजल्ट यूज करूं तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आर होगी नीचे हमें घूमना नहीं पड़ रहा तो नीचे वाला एंगल जीरो हो गया और ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ये आगे तो इन्फिनिटी तक जा रहा है साइन ठीटा टू इज वन तो ये बन जाएगा डायरेक्शन क्या होगा इसका तो डायरेक्शन तो देख के बताओ एक बार खुद से करो, कि थम ले जाओ में फिंगर्स कर्ल करोगे तो पॉइंट पे इनटू द प्लेन जा रहा होगा ऐसा हो जाएगा वैसे ही जो दूसरा स्टेट पोर्शन है ये वाला ये वाला वाला पोर्शन, पोर्शन, इसके कारण अगर देखें तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड पार्ट पार्ट तो तो जीरो हो जाएगा, और एक पार्ट हो जाएगा क्यू एन तो क्यू एन के कारण वही सेमी इनफिनिट वायर वाला रिजल्ट तो मीनोट आई अपन सेमी इन्फिनेट वायर वाला रिजल्ट मीनो आई अपॉन फोर पाई आर ये होगा और डायरेक्शन क्या आएगा

तो हमें दोनों में करंट बताना डायरेक्शन मैगनेट तो मैग्नेट फिल्ल तो आगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन और करंट की वैल्यू बताने के लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है बी नेट वो आ रहा है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर और दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड करेंगे तो टू पाई आर टू पाई आर और इसकी वैल्यू हमें दे रखा है कि दैट इज uh, कितना दिया है टेन टू दावर माइनस फोर टेस्ला टेन टू दावर माइनस फोर टेस्ला तो से टेस्ला तो यूनिट हटा देते हैं और इसमें आर की वैल्यू आर हमें दे रखा है फोर सेंटीमीटर तो फोर सेंटीमीटर का मतलब फोर इंटू टेंट देगा और माइनस टू और म्यूनोट अपऑन टू पाई की वैल्यू डाल दोगे तो यहां से करंट की सिर्फ इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है ना ये इक्वेशन इस इक्वेशन में हमें सिर्फ एक ही अनून है विच इज द करेंट तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी यहां से तो देख लोगे तो ऑप्शन डी सही हो रहा होगा परपेंडिकुलरली इन्वर्ट तो हमने निकाल लिया करंट ट्वेंटी एमपियर आ रहा होगा सेमी इन्फिनट वायर वाला केस था एक ये देखो ये सर्कुलर लूप वाला केस क्वेश्चन है सर्कुलर लूप वाला है बोल रखा है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स से एल लेंथ के एक बार हमने एक सर्कुलर लूप में बेंड किया और एक बार हमने उसको सेम करंट पास किया और हमने उसको एन आइडेंटिकल टर्न्स में लूप कर दिया यानी कि सेम लेंथ का लूप है एक बार हमने एक टर्न बनाया वन टर्न एक टर्न बनाया और एक बार मैंने इसी को थोड़ा ऐसे टाइटली रैप करके कुछ एन तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बी एल है मैग्नेटिक फील्ड बी सी है हमें इसका रेशियो चाहिए तो बी एल कितना हो जाएगा तो यहां पे जो जिस रेडियस का ये लूप बना होगा तो उसके लिए लेंथ एल है अगर तो इक्वल टू टू पाई आर ये आ जाएगा और बी एल हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर

आई करंट वही फ्लो कर रहा है जो पहले लूप में था तो म्यूनोट इंटू आई अपॉन टू स्मॉल आर ये एक टर्न के कारण होगा और चूंकि इस बार होंगे तो ये एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें अगर मैं आर डालूंगा तो यहां से एन इन टू म्यूनोट आई अपॉन टू आर टू आर अगर देखोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास यहां से देखो टू आर क्या हो रहा है तो हो जाएगा एल अपॉन एन पाई तो यहां पे एन पाई ऊपर आ जाएगा ठीक है तो बी एल और BC का अगर रेशियो बताना था BL अपॉन BC बताना था BL अपॉन BC तो उसमें अगर देखोगे तो वो एन स्क्वायर वाला टर्म सेकंड में एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये 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 आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर आएगा ये। इसमें ये एन और यह इसके अलावा तो बाकी म्यूनोट आई पाई अपॉन एल वो तो यहां भी था तो वन अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा ये रेशियो सर्कुलर लूप का सिंपल क्वेश्चन था एक ये देखते हैं आर्क वाला केस बन गया तो इसमें बेसिकली चार पार्ट्स हैं

सर्कुलर आर्क है वो कितने रेडियस का है आर टू वो थ्री प्लस टू यानी फाइव सेंटीमीटर्स अगर मैं 2 वाले पार्ट के कारण लिख रहा हूं फोर्टी फाइव डिग्री होता है पाई बाई फोर तो पाई बाई फोर अपॉन टू पाई फोर्टी फाइव डिग्री का मतलब डिग्री फाइव डिग्री का मतलब ये वन एट ऑफ द सर्कल हो जाएगा तो यहां पर अपॉन टू पाई करते हैं यहां पर बी टू ये हो गया सिमिलरली अगर बी थ्री पता करें सॉरी बी थ्री तो जीरो बी फोर तो बी फोर में आ जाएगा पूरे करंट लूप के कारण होता है आर टू आर्टू, आर्टू रेडियस का पूरा लूप होता तो ये होता और कितना फ्रैक्शन है तो फिर से वही पाई बाई फोर अपॉन टू पाई अच्छा डायरेक्शन क्या होता है मैग्नीफील्ड का ये भी देखना है तो टू वाले के कारण देखोगे अगर तो करंट करेक्शन फिंगर्स कर्ल करो राइट हैंड लो और जिस प्लेन में तुमने ये डायग्राम बना रखा है तो उस प्लेन में अगर तुम कर्ल करोगे अपने फिंगर्स को करंट डायरेक्शन में तो ये आएगा बी टू आएगा प्लेन ओ पॉइंट पे और बी फोर आएगा इन टू द प्लेन और ज्यादा कौन होगा तो ज्यादा ऑब्वियसली आर वन अगर छोटा है तो ये बी वन बी टू ज्यादा होगा तो बी नेट जो हो जाएगा वो जाएगा बी टू माइनस बी फोर और ये जो डायरेक्शन होगा ये out of the plane आएगा, out of the plane आएगा, ठीक है तो ये करके देख और मैच कर काफी अच्छा क्वेश्चन है अच्छा इस क्वेश्चन में डायग्राम पढ़ोगे इस, पढ़ो इस, इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये वाला भी एक सॉलिड लाइन दिख रहा है बट क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये लाइन है ही नहीं क्वेश्चन पढ़ो कि बोल रखा है कि अ वेरी लॉन्ग वायर ए बी डी एम एन डी यानी कि फॉलो करोगे अगर तो ए बी डी एम एन डी यानी कि ऐसा गोल घूम जाओ और फिर सी तो ऐसा एक वायर है ऐसा वायर है ऐसा वायर है ये विजुलाइज़ हो रहा है तो इस वायर को फिर हम ब्रेक कर सकते हैं कि एक ये सर्कुलर वायर है और एक ये वाला वायर है ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इस वाले वायर को भी फर्दर दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि एक यहां से यहां तक वाला वायर है इनफिनिट वायर और एक फिर यहां से यहां तक वाला वायर है इनफिनिट वायर तो इस पूरे में डायग्राम में ये इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा है तो ये कुछ नहीं है बच्चे एग्जाम में ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि ये क्या है सॉलिड बना रखा है डॉटेड बनाना चाहिए था वैसे लेकिन अगर क्वेश्चन केयरफुली पढ़ोगे तो ये वाला जो लाइन है ना दिस इज एज गुड एज की नहीं है मैं इसको लट से थोड़ा डॉटेड कर देता हूं ये नहीं है डायग्राम में बना हुआ था एग्जाम में लेकिन ये नहीं है क्योंकि पढ़ोगे अगर स्टेटमेंट में तो दिख रहा है कि करंट का फ्लो कैसा हो रहा है तो इसको फिर मैंने क्या किया कि, कि मैं तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया है एक पार्ट ये वाला पार्ट ये पार्ट वन, ये पार्ट पार्ट वाला और ये बचा हुआ पार्ट थ्री। ठीक है तो यहां पे जो दिखा रखा है बनाया है मैंने ये पार्ट वन है यह पार्ट टू है और यह पार्ट थ्री है तीनों पार्ट के कारण हम ये जो सेंटर है इस सेंटर को अगर हम ओ बोल रहे हैं अगर मैं इस सेंटर को ओ बोल रहा हूं इसके सेंटर को वो बोल रहा हूँ तो पॉइंट का लोकेशन दिखा रखा है तीनों पार्ट्स के रेस्पेक्ट में और तीनों पार्ट्स के मैग्नेटिक फील्ड ढूंढूंगा और ऐड कर दूंगा तो सबसे आसान तो लिखना है टू वाले पार्ट के कारण टू वाले पार्ट के कारण क्या होगा B2 मैं अगर यहां लेट्स से वाले पार्ट के कारण अगर मैं लिख रहा हूं बी टू तो ये हो जाएगा सर्कल है तो मी नोट आई अपॉन टू आर किस रेडियस का सर्कल है आर रेडियस का सर्कल तो मीनोट आई अपॉन

और नीचे वाले एंड के लिए भी नीचे आना पड़ रहा है तो इस केस में ये मैं लिख रहा हूं यहां पे किस पर्टिकुलर केस में अगर तुम जो फाइनाइट वायर वाला फॉर्मुला था अगर उसको साइन के टर्म्स लगाओगे तो थीटा वन जो है वो है वो हमारे पास नाइनटी डिग्री क्योंकि लेंथ लेंथ का का है का है ना इंफिनिट लेंथ का है तो यहां से ये जो परपेंडिकुलर इससे तुम नीचे घूमोगे तो कितना घूमना पड़ेगा नाइन्टी डिग्री घूमना पड़ेगा इसके एंड को ज्वाइन करने के लिए और थीटा टू थीटा टू क्योंकि इससे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इस बार जो ऊपर वाला एंड है ऊपर वाले एंड के लिए ऊपर जाते तो हैं तब डालते हैं जब परपेंडिकुलर वायर पर ड्रॉप करने के बाद ऊपर वाले एंड के लिए हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ता है इस बार हमें नीचे आना पड़ रहा है तो इस कारण से हम माइनस डालेंगे माइनस डिग्री तो बीवन की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी बीवन आ जाएगा ये वाला लेंथ तो आ रही है और ये आएगा साइन ऑफ 90 डिग्री और प्लस साइन ऑफ माइनस फोर्टी डिग्री ये होगा और डायरेक्शन क्या होगा तो डायरेक्शन इंटू द प्लेन ये तो दिख रहा है कि स्ट्रेट वायर है थमले जो स्ट्रेट वायर के डायरेक्शन में और फिंगर्स कट करोगे कर तो पॉइंट पे इनटू द प्लेन चला जाएगा तो इनटू द प्लेन ये है। थर्ड वाले के कारण थर्ड थर्ड वाला वायर तो वाले वायर के कारण अगर लोकेशन देखोगे वो पॉइंट का लोकेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ रहा है और इस बार एक एंगल 45 डिग्री है इधर वाला एंगल की परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक तरफ जाना पड़ रहा है इस डायरेक्शन में 45 डिग्री और दूसरी तरफ जाना पड़ा रहा है इस डरेक्शन नाइन्टी डिग्री तो इस बार तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है दोनों ही एंगल्स पॉजिटिव होंगे यहां पर डिफरेंट था यहां पे ऊपर जा इस पार्ट से नीचे रहे थे एक एंड के लिए दूसरे एंड के लिए ऊपर जाने के बजाय उसमें भी नीचे आना पड़ रहा था इसलिए एंगल हमने नेगेटिव लिखा यहां पर दोनों ही एंगल्स पॉजिटिव होंगे तो इसके लिए थीटा वन की वैल्यू एक एंगल है 45 डिग्री और एक एंगल है 90 डिग्री तो अगर मैं B3 थ्री लिखूंगा बी थ्री तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन सॉरी फोर पाई आर होता है तो यहाँ पे मैंने ऊपर जो लिखा है ये टू पाई, पाई आर ना ये फोर पाई आर फोर पाई आर इसको लिखोगे यहाँ पे भी म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर और एक एंगल साइन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री और प्लस साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री और इसका डायरेक्शन क्या होगा तो डायरेक्शन देखो जो स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है थंब ले जाओ उस डायरेक्शन में राइट हैंड का तो फिंगर्स कर लो के ओ पे ऊपर आ रहा होगा तो ये डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा ऊपर इसका डायरेक्शन होगा तो इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो तुम्हें नेट तुम्हेंट फील्ड मिल जाएगा नेट फील्ड बी वन बी टू और बी थ्री तीनों को ऐड करना है तो ऑप्शन मैच कर लेना और उसमें देखोगे कि यहां पर ये वाला जो है ये इन टू प्लेन है और ये आउट ऑफ द प्लेन है तो ये और साइन नाइनटी ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ठीक है और आउट ऑफ इसको भी अगर आउट ऑफ द प्लेन लिखोगे इसको लिखोग से टू द प्लेन के बजाय आउट ऑफ द प्लेन लिख दो माइनस फोर्टी फाइव की जाएगा फॉर्टी फाइव लिख दोगे तो अकॉर्डिंगली आंसर तो आ जाएगा तो ये करके देख लेना एक ये देखते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए वायर बोल रखा है लेकिन बोल रखा है करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन यानी कि ये सॉलिड सिलेंडर वाला केस है कि वायर एक सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में है और उसमें हमें दो पॉइंट्स में मैग्नीफी का रेशियो बताना है डिस ए बाई थ्री एंड टू ए तो यहां पे अगर मैं दोनों पॉइंट्स को नाम दे दूं मान लो इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए और इस पॉइंट को नाम देता हूं बी तो ए वाला पॉइंट अंदर वाला पॉइंट है तो अंदर वाले पॉइंट पे क्या फॉर्मूला था याद आ रहा है फॉर्मूला अंदर वाले पॉइंट पर फॉर्मूला था अगर इस फॉर्म में याद कर रखा है म्यूनोट जे आर बाई टू तो उससे भी कर सकते हो म्यूनोट जे आर बाई टू जे को क्या लिखोगे जे को लिखोगे आई अपॉन इसका रेडियस करंट का रेडियस क्या है ज ए करेंट डिस्ट्रीब्यूटेड तो कुछ नहीं बोल रखा है तो हम यही मानेंगे कि रेडियस इसका जो रेडियस है ना ये वाला रेडियस ए है तो मीनोट आई अपॉन पाई ए स्क्त ये हो गया जे म्यूनोट जे आर आर की जगह आ जाएगा ए बाई थ्री अंदर वाला पॉइंट है ना ये मीनोट जे आर बाई टू तो ये आ जाएगा मीनोट जे आर बाई टू ये बन गया मैग्नेट फील्ड लाइट ए और मैग्नेट फील्ड लाइट बी ये तो आसान है ये होता जो हो तो जाएगा बाहर वाला पॉइंट है तो म्यूनोट आई बाई टू पाई आर और आर की जगह आ जाएगा तो हमें इनका रेशियो बताना है तो रेशियो अगर देखोगे डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा तो इसमें वही करना सॉलिड सेंटर है तो अंदर वाले पॉइंट्स के लिए हमें म्यूनोट जे आर बाई टू यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए और बाहर वाले पॉइंट के लिए इन्फिनेट वायर की तरफ बिहेव करेगा म्यूनोट आई बाई टू बाई आर एक तो बोल है कि एक रिंग है रोटेटिंग रिंग है और उसके कारण फील्ड बताना है rotating ring के के कारण कारण बताना है। है, और ये नहीं सिर्फ एक चार्ज रिंग है है। तो इस पर अगर हमने चार्ज लेट से क्यू ले लिया चार्ज क्यू है और इसका रेडियस आर और ये मान लो कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है रोटेट कर रहा है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ओमेगा है तो ये चार्ज बॉडी है जो कि रोटेट कर रहा है तो इसको मैं एक सर्कुलर करंट की तरह सो सकता हूं दिस इज अ सर्कुलर करंट एक इक्वेलेंट सर्कुलर करंट हम इसका निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट सर्कुलर करंट कभी भी ऐसा रोटेटिंग रिंग आ जाए उसका फील्ड अगर पूछा जाए कि सेंटर फील्ड क्या होगा तो इसको मान लो कि एक सर्कुलर करंट है सर्कुलर करंट और सर्कुलर करंट का जो करंट की वैल्यू लिखोगे वो कैसे लिखोगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा इसको निकालने के लिए हम ये बोलते हैं कि मान लो अगर इस रिंग पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया तो जब तक ये पूरा एक चक्कर पूरा होगा तब तक इस रिंग का पूरा का पूरा चार्ज इस पॉइंट से एक बार गुजर जाएगा जैसे अगर मैं देखूंगा तो इस रिंग पर पूरा का सारे का सारे पॉइंट एक चक्कर में एक बार गुजरेंगे तो ये टोटल क्यों चार्ज से गुजर जाएगा और कितना टाइम लगेगा ये गुजरने में तो जो भी इसका टाइम पीरियड है तो आई क्वालेंट हो जाता है आईक्ट इज क्यू बाई टी क्यू बाई टी एस एम करेंट निकालते हैं चार्ज फ्लोइंग पर टाइम तो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम पीरियड टी में तो करंट इक्वलेंट हो जाएगा क्यू बाई टी तो ये पॉजिटिव तो चार्ज, चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इस फ्लो करता है, उस में करंट होता है तो यहाँ पे current, इसका अगर तो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा करंट है तो मैग्नेट फील्ड निकालने के लिए फिर क्या करेंगे सर्कुलर करंट वायर के सेंटर मैगनेट फील्ड हो जाता है म्यूनोट इंटू आई यहाँ पे आई की जगह म्यूनोट आई अपॉन और डायरेक्शन हो जाएगा आउट ऑफ द तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा तो कोई भी सर्कुलर चार्ज रिंग अगर रोटेट कर रही है ये क्या है? है, चार्ज चार्ज रिंग रिंग। रोटेटिंग तो उसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका यह होगा तो ये एग्जाम में आ चुका है तो इसी का अगर एक एक्सटेंशन देखे तो एक डिस्क हो सकता है कि एक disk, disk. वाले हैं। तो ये हो सकता है इस इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग डिस्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो ये कुछ ऐसा रोटेट कर ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर ऑफ द डिस्क तो इसके निकालने के लिए हम इसको रिंग एलिमेंट्स के फॉर्म में डील करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस पर कुछ हम एक्स रेडियस का एक ऐसा सर्कुलर लाइन ले लिया और थोड़ा और इसको विथ दे दिया dx थोड़ा और इसको विथ दे दिया dx तो हमें ये एक रिंग एलिमेंट मिल जाएगा ये एक रिंग एलिमेंट मिल जाएगा और इस रिंग एलिमेंट पे जो चार्ज हो जाएगा dq ये dq कितना हो जाएगा इस रिंग एलिमेंट पे चार्ज तो टोटल चार्ज q है और वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो q अपॉन पाई आर ये चार्ज पर एरिया हो जाएगा इनटू इस रिंग का एरिया हो जाएगा टू पाई आर डी आर

टू आर होता है तो मीनोटू डी फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ डी कर देंगे और ये इंटीग्रल ऑफ डीबी जो आएगा वो एक्स में आएगा इंटीग्रेशन एक्स की जगह हम डाल देंगे तो यहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आ जाएगा तो ये इंटीग्रेशन करके देखना एग्जाम में आ सकता है कि सर्कुलर रिंग का तो सिंपल था डिस्क डिस्क में में फिर हम क्या कर रहे हैं? कि सर्कुलर रिंग एलिमेंट्स ले रहे हैं और उन रिंग एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल के फिर हम जोड़ रहे हैं ठीक है अब हम आ जाते हैं फोर्स वाले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया तो हमने जितने भी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते थे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के वो सारे कवर कर लिए विथ एग्जांपल्स तो इतना कर लोगे तो इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो भी आएंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मुला ये होता है क्रॉस कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्यू चार्ज वाला पार्टिकल तो उस पर फोर्स लेगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक क्यू बी बी साइन थीटा हो जाएगा जहां पर थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन बी वैक्टर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज

और बी की तरफ कर्ल करोगे ये दिख रहा है यहां पे मेरे वीडियो की तरफ देखना कि अगर वेलोसिटी है इस इस डायरेक्शन डायरेक्शन में लेट्स से वेलोसिटी है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो ये फिर इस डायरेक्शन में आ जाएगा खुद से करके देखो डायरेक्शन फिंगर्स स्ट्रेच करो और बी तुमने जिस प्लेन में यह वी बनाया होगा बी उस प्लेन के इन टू प्लेन है तो फिंगर्स नीचे की तरफ कर्ल करोगे तो इस पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा और कितना आएगा मैग्नेटिक फोर्स

तो वी और बी अगर इसी प्लेन में तो वी क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा किधर जाएगा? तो फिर कर्ड करोगे अगर, तो, वी इधर तो और द्लेन दोनों बनाओगे तो वी से बी की तरफ अगर फिंगर्स कर्ल करोगे तो वी क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है पूरे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो वी क्रॉस बी करोगे तो इन टू प्लेन चला जाएगा का डायरेक्शन

थ यूनिफॉर्म विलोसिटी मूव्स विथ यूनिफॉर्म विलोसिटी यूनिफॉर्म विलॉसिटी से मूव करेगा हमने जो भी विलॉसिटी दी होगी उसी वे मूव करेगा बिकॉज इस पर कोई मैग्नि फोर्स लगा ही नहीं तो यह अपना इसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जिधर हमने फेंका है यहां पर यह वाला केस है कि विलोसिटी और मैग्नी फील्ड सेमी डायरेक्शन में तो एंगल जीरो डिग्री है तो हम जिधर भी फेंकेंगे ये इसी डायरेक्शन में आगे मूव करता चला जाएगा दूसरा वाला जो केस है वो वन एटी डिग्री वाला केस विलॉसिटी इधर है और मैग्नीफील्ड इधर है तो इसके से फोर्स लगेगा तो जिधर हमने फेंका होगा इधर ही चलता चला जाएगा तो ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन वाला एग्जाम्पल हो जाएगा तो एक तो ये इजी केस है बहुत ईजी है तो इसमें तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका अगर उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों ही केसेस में पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और वो जिधर तुमने फेंका है उसी रास्ते पे उसी कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव करता चला जाएगा जिसको हम बोलेंगे मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दूसरा जो केस है ये काफी इंपॉर्टेंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

तो फोर्स लग रहा है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है हमेशा फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है तो ऐसा फोर्स इस पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा देगा कि जो भी फोर्स लग रहा है वो उसको रिक्वायर्ड दे देगा तो इस केस में जो मोशन होता है दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसके पीछे रीजन ही होता है कि फोर्स जो है वो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का है फोर्स इज ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू विलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू विलोसिटी तो अगर किसी पार्टिकल पर ऐसा फोर्स लगता है जो हमेशा कॉन्सेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है तो वैसा फोर्स इस पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमाएगा और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे <coughs> परपेंडिकुलर है तो और फोर्स होगा कितना तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी अच्छा इसका जो भी मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड फिलिस्प्लेन के परपेंडिकुलर है तो V क्रॉस B अगर देखेंगे तो V क्रॉस B B के परपेंडिकुलर होगा V क्रॉस B दोनों परपेंडिकुलर V के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर होता है तो अगर B के परपेंडिकुलर है दैट इसका जो भी मोशन होगा इनिशियल वेलोसिटी B के परपेंडिकुलर थी और फोर्स भी लग रहा है के तो B के परपेंडिकुलर तो इसका मोशन B के परपेंडिकुलर ही होगा तो ये जो सर्कुलर पाथ होता है ना सर्कुलर पाथ ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये इन द प्लेन इन द प्लेन इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में <coughs> तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंटू द प्लेन है तो अभी जो मैंने पेन बना रखा है, इस पेन में इसका सर्कुलर मोशन होगा और सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा तो उसके मैग्नेटिक फोर्स को रेडियस तो आ जाते हैं एम वी अपन बी क्यू इसको याद रखना है ये रेडियस का फॉर्मुला याद रखना है टाइम पीरियड कितना होगा तो टू पाई आर अपॉन वी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो 2 pi r upon v, तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई एम अपॉन बीक्यू तो ये दोनों फॉर्मूले रेडियस का और टाइम पीरियड का ये ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि जो टाइम पीरियड है टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी वी से इंडिपेंडेंट है यानी कि तुम स्पीड बढ़ा के भी फेंकोगे तो ये उतना ही टाइम में एक सर्क, सर्कल कंप्लीट करेगा टाइम पीरियड का अंदर कि एक चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है तो बढ़ा के फेंकने से वो ज्यादा स्पीड से तो फेंका तुमने लेकिन जितनी ज्यादा स्पीड से फेंकोगे उतना ही वो बड़े रेडियस का पाथ लेगा तो पाथ से ज्यादा ट्रेवल करेगा स्पीड भी ज्यादा है लेकिन टाइम उतना ही लगेगा तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ भी इसको ध्यान रखना यहां पर मोशन दिखा रखा है तो इस मोशन में देखोगे अगर तो हर जगह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये तो एग्जाम में आता ही आता है एक और केस है यह भी कभी कभी आ जाता है थर्ड केस <coughs> मोशन इन हेलिकल पाथ तो ये केस तब होता है जब जो हम इनिशियल एंगल देते हैं थीटा इनिशियल एंगल ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ये ना ही जीरो डिग्री होता है ना ही नाइनटी डिग्री होता है और ना ही वन एट्टी डिग्री होता है तो इन तीनों के अलावा अगर कोई एंगल है <coughs> तो फिर जो मोशन होता है वो होता है मोशन इन हेलिकल पाथ और उस पाथ के मोशन को हम कैसे विजुलाइज करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी वेलोसिटी दिया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जितने एंगल पे तो इस वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेट कर लेते हैं तो एक कॉम्पोनट कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक्ड थीटा और एक कॉम्पोनट कर लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो वी थीटा को हम वी पैरल बोलेंगे पैरेलल टू फील्ड और वी थीटा को बोलेंगे इसके मोशन को विजुलाइज करने के लिए सोचते हैं कि अगर एक थीटा वाली वेलोसिटी नहीं होती अगर ये वाली वेलोसिटी नहीं होती सिर्फ परपेंडिकुलर तो है तो फिर ये v sin theta पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करने, करने।, करने। तो मान लो मैं ये अगर छुपा रहा हूं v नहीं है, तो फिर इसका जो सर्कुलर पाथ होता तो है सर्कुलर पाथ होता है सर्कुलर पाथ में मूव करता परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ मोशन होता सर्कुलर पाथ वाला मोशन वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता तो कुछ इस पाथ में मूव करता लेकिन इस बार यह है कि थीटा तो सर्कुलर पाथ में मूव कराने की कोशिश करेगा लेकिन एक वी थीटा भी है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो फिर यह सर्कुलर पाथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैगनेटफी आगे बढ़ता रहेगा तो यह सर्कुलर पाथ एक हेलिकल पाथ में कन्वर्ट हो जाता है हेलिकल पाथ में कन्वर्ट हो जाता है तो यहां पे दोनों कॉम्पोनेंट का रोल होता है कि थीटा वाला जो कॉम्पोनेंट है इसका रोल होता है सर्कुलर पाथ में मूव कराने का सर्कुलर पाथ और ये v cos क्वासेटा का रोल हो जाता है ये v cos क्वासिटा जो होता है ये डिस्प्लेसेज अलॉन्ग डिस अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के डिस्प्लेस करता है <coughs> तो वी थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में मूव कराने की कोशिश करता है वी थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है तो ओवरऑल जो मोशन होता है दैट बिकम्स अ हेलिकल मोशन हेलिकल मोशन इसको बोलते हैं उस हेलिकल मोशन का रेडियस क्या होगा तो रेडियस के लिए जो वी थीटा सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यह आ जाता है तो ये एम इन वी परपेंडिकुलर अपॉन बी इससे रेडियस आ जाता है टाइम पीरियड तो उससे इंडिपेंडेंट है ठीक है <coughs> तो ये हेलिकल मोशन होता है और हेलिकल मोशन में जो एक्सेस ऑफ हेलिक्स होता है ना एक्सेस ऑफ हेलिक्स वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस ऑफ हेलिक्स हेलिक्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ एक्सिक्स का मतलब करने का तरीका है होता, लिख रखा है पिच ऑफ द्ज द डिस्प्लेसमेंट पैरल टू एक्सिस ड्यूरिंग वन सर्कुलर रिवॉल्यूशनर रिवॉल्यूशन में टाइम लगेगा टू टाइम लगेगा जो भी वन सर्कुलर रिवॉल्यूशन में टाइम लग रहा है टी अगर

Okay, तो अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है इसमें बोल रखा है कि एक प्रोटॉन मूव कर रहा है क्वेश्चन एक बार पढ़ो बोल रखा है कि एक प्रोटॉन मूव कर रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और वो साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है साउथ टू नॉर्थ तो प्रोटॉन मूव कर रहा है साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट टू ईस्ट तो अगर मैंने यहां पर दिखाया है तो प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो साउथ टू नॉर्थ यानी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट टू ईस्ट

बताना है बताना है एक्सोलेशन दे दिया है तो इस इक्वेशन में और वी निकालने के लिए हम एनर्जी का यूज कर लें तो प्रो, प्रोटॉन की जो कैनेटिक एनर्जी उससे वी कैसे आएगा तो कैनेटिक एनर्जी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको मैं अगर v में वीट SI से निकाल रहा हूं तो वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले वन इंटू टेन टू पावर सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा और इसको एसआई SI में कन्वर्ट करूंगा तो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन तो ये एसआई SI यूनिट में एनर्जी आ रही है और इस एनर्जी को मैं हाफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी स्क्वायर से इक्वेट कर दूंगा तो यहां से वी आ जाएगा तो पहले हमें क्या करना है कि पहले ये वी निकालना है मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है और ये वी आ जाएगा तो इस इक्वेशन में इस मैग्नेटिक फील्ड के अलावा फिर सारे टर्म्स हमें पता है Q पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन पता है गिवन है v है तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था सिंपल सा एक क्वेश्चन देखो अच्छा ये क्वेश्चन तो काफी कॉमन है ये इतना कॉमन है कि हर एक दो साल में ये पूछता ही है तो अभी फिर से तुम्हारे किसी के पेपर में आने ही वाला है इस तरह का क्वेश्चन बोला एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और हीलियम न्यूक्लियस की सेम एनर्जी और सेम एनर्जी का मतलब कि सेम काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है काइनेटिक एनर्जी ये सेम है सबकी तो लेट्स से हम इसको के के मान मान लेते हैं सबकी सेम है और उसको अगर मैंने के लिया तो बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं इन अ प्लेन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कुलर मोशन वाला केस वही है जो अभी हमने पढ़ रखा है तो उसमें रेडियस का फॉर्मला क्या होता था रेडियस तो का फॉर्मला याद रखना है वो होता था एम वी अपन बीक्यू ये रेडियस होता था एम वी अपॉन बीक्यू इसको अगर लिख रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर कैनेटिक एनर्जी होता है तो v को अगर यहां पर डालू तो यह हो जाएगा एम अपॉन बीक्यू अलग कर लिया और v के टर्म्स में अगर को हम डाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अंडर रूट ऑफ टू के अपॉन एम यह आ जाएगा तो सारे पार्टिकल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड वही है कैनेटिक एनर्जी भी वही दे रखा है यानी कि अगर हम आर की प्रोपोर्शनैलिटी देखें मास और चार्ज के साथ तो ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ एम अपॉन क्यू यह प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है मास और चार्ज के साथ तो यहां पे पार्टिकल्स कौन कौन से हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और हीलियम न्यूक्लियस तो उनके रेडियस हमें कंपेयर करना है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का लेकिन रेडियस बराबर ही सॉरी बर, चार्ज बराबर है अगर तो ये क्यू टर्म दोनों का सेम है क्यू टर्म सेम है तो मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो एक तो हम ये डिसाइड कर लें कि मास अगर प्रोटॉन का ज्यादा है और चार्ज दोनों का दो दो सेम है तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तो ये दिख रहा है हीलियम 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 न्यूक्लियस 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 का अगर देखिए तो और प्रोटॉन में अगर कंपेयर करें हीलियम न्यूक्लियस और प्रोटॉन तो हीलियम न्यूक्लियस पे चार्ज जो होता है वो डबल ऑफ प्रोटॉन होता है और मास फोर टाइम्स होता है तो मास अगर फोर टाइम्स हो गया तो यहां पे रूट ऑफ मास है तो एक टू बाहर निकलेगा और यहां पे भी टू है तो बेसिकली ये सेम ही हो जाएगा तो रेडियस ऑफ जो हीलियम न्यूक्लियस है ये और और प्रोटॉन का रेडियस सेम होगा होगा इलेक्ट्रॉन से बड़ा ठीक है तो इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा कि हीलियम न्यूक्लियस का मास फोर टाइम्स है तो रूट एम में से एक टू बाहर आ जाएगा और चार्ज टू टाइम्स है तो क्यू और ऊपर में टू ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे कि यहां पर फोर एम अपॉन टू क्यू हो जाएगा तो फोर एम में से टू बाहर आएगा तो वो टू और नीचे कैंसिल हो एम बाई क्यू दोनों का सेम ही हो जाएगा एक ये देखो ये करते हैं इसमें बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन गन को हमने सोल के अंदर रखा है और उसे एक इलेक्ट्रॉन को हम शूट कर रहे हैं ठीक है रेडियस के लॉन्ग शूट कर रहे हैं तो कितनी स्पीड से शूट करें सो so दैट ये सोलोनॉइड को हिट ना करे सरफेस ऑफ सोलोनॉइड को हिट ना करे ये क्वेश्चन है ओके okay? तो इस क्वेश्चन में मान लो सोलनॉइड अगर है तो सोलनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलॉइड में अंदर में वो वो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होता होता है होता है मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहां पे बना रहा हूं तो सोलोनाइड में मैग्नेटिक फील्ड मान लो इनटू द प्लेन हमने बनाया ये इनटू द प्लेन ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो हो जाएगा म्यूनोट इन टू एन इन आई यहां पर एनडे रखा नंबर ऑफ टर्न्स पर ले कर तो मीनोट इन टू एन एन टू आई ये हो जाएगा अब इसमें पार्टिकल को बोल रखा है कि हम इलेक्ट्रॉन गन गूट साइन इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग द रेडियस तो सेंटर से हम रेडियस के लॉन्ग शूट कर रहे हैं सेंटर से हम रेडियस के लॉन्ग शूट कर रहे हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन है इधर हमने इसको एक वेलोसिटी दे दी तो इसका पाथ कैसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सिस के लॉन्ग होगा और हम शूट कर रहे हैं रेडियस के लॉन्ग

इस रेडियस का पाथ होता है तो अगर मान लो ऐसा सर्कुलर पाथ हो तो ये सर्फेस को नहीं हिट किया लेकिन अगर ऐसा सर्कुलर पाथ हो जाता तो ये सर्फेस को हिट कर जाता जाके यहां पे यहां पे सर्फेस को हिट कर जाता तो अगर हम स्पीड ज्यादा करेंगे तो रेडियस बढ़ेगा और रेडियस बढ़ेगा तो हिट करने के चांसेस बढ़ेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड दे सकते हैं कि हिट ना करे तो उसके लिए कम से कम ज्यादा से ज्यादा रेडियस इतना हो जाए इतना रेडियस हो जाए सो दैट इसको जस्ट ग्रेज कर तो पहुंच जाए तो जो मैक्सिमम हम रेडियस रख सकते हैं ऑफ द सर्कुलर पाथ मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ उसका डबल लेंथ वो रेडियस ऑफ सोलिनोइड के बराबर होना चाहिए रेडियस ऑफ सोलिनॉइड हमें कैपिटल आर दे रखा है रेडियस ऑफ इज गिवन कैपिटल ठीक है तो यहां से आर मैक्स की जगह हम यहां से डाल देंगे तो टू इंटू टू इंटू एम इंटू वी मैक्स अपॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिकील्ड को मैं डाल रहा हूं म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई और इंटू क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज जा आ जा जाएगा तो वो, अगर देखो तो वो फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर तो तो पाथ का रेडियस ज्यादा होगा बहुत ज्यादा रेडियस हो गया तो वो सर्फेस को हिट कर जाएगा मैक्सिमम हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सर्फेस को जस्ट ग्रेस करता हुआ अंदर आ जाए सर्फेस को हिट ना करे तो उसके लिए जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है उस सर्कुलर पाथ का डायमीटर वो रेडियस ऑफ सोनाट के बराबर हो सकता है उससे करेंगे तो सर्फिस को तो मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है दोनों लग रहा है तो उसपे चार्ज पार्टिकल का मोशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते थे वही ले रहे हैं जो एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन रखा है कि पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसका सेम चार्ज चार्जेज इलेक्ट्रॉन है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिक्वायर्ड है सो दैट ये स्ट्रेट लाइन पाथ में चला जाए तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाने के लिए क्या होना चाहिए कि उस पर फोर्स फिर जरूर हो जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन पाथ में जाने के लिए यानी कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस करवा देना है तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कराना है और अगर मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो सर्कुलर पाथ में जा रहा था वेलोसिटी और मैग्नेट फील्ड के बीच में एंगल था 90 डिग्री तो ये क्यू वी बी ये फोर्स लग रहा होगा उस पर इलेक्ट्रिक e e. ये हमें कर देना है। तो इसमें हमें अननोन हमारे पास क्या है <coughs> अननोन क्या है हमें uh, क्या क्या दे रखा है सर्कुलर पाथ का रेडियस दे रखा है रेडियस दे रखा है तो रेडियस और र को हम लिख देंगे एम वी अपॉन बीक्यू एम वी अपॉन बी क्यू यह कर देंगे है कि पहले जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था तो सर्कुलर पाथ का रेडियस दे रखा है उसमें जा रहा था और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो क्या हो गया तो वी नहीं दे रखा है तो वी की जगह हम यहां से डालेंगे वी की जगह हम आर के टर्म्स में यहां से डालेंगे और उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इससे बन जाएगा और फाइनली वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा ई इंटूक्स टू क्यू इन बी और इंटू वी की जगह वहां हम डालेंगे बी क्यू आर अपॉन एम ये डाल देंगे ठीक है चार्ज दे रखा है सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन है हमें मास भी दे रखा है मास हमें मास हमसे पूछा है मास हमसे पूछा है और चार्ज बेसिकली ये जो Q है E जो है ये E Q है और ये Q की वैल्यू वो

ये वाला डायरेक्शन हमारे पास ये है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस डायरेक्शन में हैं। और चार्ज पार्टिकल को जो हमने तो वेलोसिटी तो जे कैप में है और मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होता पहले ऐसा सोचो कैसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे स्टार्ट करो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब क्या होता तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर 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 पाथ 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 में मूव करता और वो किधर किधर होता होता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो सर्कुलर पाथ होता मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में तो जो सर्कुलर पाथ होता है वो वाइजेड प्लेन में होता वाइजेड प्लेन में सर्कुलर पाथ होता तो वाइजेड प्लेन में सर्कुलर पाथ में घूमता रहता लेकिन इस बार यह

इसकी स्पीड कितने देर के बाद डबल हो जाएगी अच्छा मोशन अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है अगर सिर्फ मैग्नेटी फील्ड के अंदर मोशन हो रहा है जो मैग्नेटी फील्ड के अंदर हमने तीनों केसेस ना स्ट्रेट लाइन के सर्कुलर वाला या हेलीकल वाला तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अगर अंदर मोशन होता है तो स्पीड नहीं चेंज होती है क्योंकि मैग्नेट फील्ड हमेशा विलोसिटी का परपेंडिकुलर लगता है तो कभी भी स्पीड नहीं चेंज कर पाएगा बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया तो इस बार स्पीड चेंज हो रहा होगा तो वही हमसे बोल रखा है कि कितने देर के बाद इसकी स्पीड डबल हो जाएगी ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेलोसिटी होगी ना वो सिर्फ एक्स में हमें चेंज होगी एक्स में चेंज होगी तो यहां पे पे जो में में जो में में वेलोसिटी वेलोसिटी होगी होगी किसी भी टाइम वो होगी एक्स मैक्सोलेशन एक्स मैक्सोलेशन हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन मास ये मैक्सोलेशन हो जाएगा और इनटू टू ये एक्स में वेलोसिटी होगी एक्स में वेलोसिटी इतनी होगी

इसको हमें डबल करना है तो इसमें vx तो टाइम के साथ ऐसा वेरी करेगा और vy और vz जो है वो एक तरह से जो xz ये जो yz प्लेन में सर्कुलर मोशन कराता मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण ये वेलोसिटीज है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो विलॉसिटीज चेंज नहीं होती तो वो सर्कुलर प्लेन में जो मोशन है उसका वाई जेड प्लेन में जो एक तरह से सर्कुलर मोशन है उसमें जो वाई एंड जेड वाली वेलोसिटीज होंगी उनका रिजल्टेंट हमेशा वही रहेगा जो शुरू में था तो वो वी नॉट ही होगा तो यहां पे एक हम ये बोलेंगे कि अंडर रूट ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस वीजेड स्क्वायर यह वी नॉट ही रहेगा ये वी नॉट ही रहेगा ये क्यों वी नॉट होगा समझ में आ रहा है बिकॉज एक्सजेड प्लेन वाला जो मोशन है ना या वाईजेड प्लेन वाला मोशन मैं इसको थोड़ा लिख भी देता हूं ये इसलिए है क्योंकि वाई जेड मोशन इज ड्यू टू

Square plus v z square, उसको मिला के मैं वी नॉट स्क्वायर लिख दूंगा चलो एक स्टेप और लिख रहा हूं कि यहां पे मैं इसको लिख रहा हूँ वीवाई स्क्स वीजेड स्क्वायर इसको कंबाइन कर लिया तो वी हमें डबल चाहिए तो ये हो जाएगा टू वी नॉट का स्क्वायर तो ये हो जाएगा फोर वी नॉट हो जाएगा फोर वी नॉट स्क्वायर टू वी एक्स स्क्वायर और प्लस वी नॉट स्क्वायर ये वीवाई स्क्वायर प्लस वीजेड स्क्वायर हमेशा वी नॉट स्क्वायर रहेगा तो यहां से आ जाएगा वी एक्स इज रूट थ्री वी नॉट और Vx अगर रूट थ्री नॉट है तो हमें टाइम बताना है तो फिर हमारे पास टाइम के लिए हम ये वाला हमारे यूज कर लेंगे जो ऊपर तो तो इतने टाइम के बाद स्पीड डबल हो जाएगी तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था अगर मेंस के लेवल पे देखिए तो मेंस के लिए तो टफ क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेकिन मेंस में ऐसे एक दो क्वेश्चंस तो आते हैं पच्चीस क्वेश्चन का अगर मेंस होने वाला है तो तीन चार क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं एडवांस लेवल के होते हैं तो ये वन ऑफ था जिसमें कि हेलिकल मोशन था इंक्रीजिंग पिच क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें हमें टाइम बताना था तो उसका आंसर फिर ये वन जो पार्ट है वो आंसर हो जाएगा वन ऑप्शन एक ये वाला क्वेश्चन है या अगेन ये भी मतलब मुश्किल क्वेश्चन है तो जैसा मैं बोल रहा था ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आ जाते हैं दिस इज अगेन अ मुश्किल क्वेश्चन बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया है और एक चार्ज पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं अच्छा इसका मोशन कैसा होगा उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है वैसे अगर पढ़ रखा हो किसने थोड़ा डिफिकल्ट कभी कभी हम पढ़ाते हैं थोड़ा डिफिकल्ट चीजें तो उसमें इस केस में जो मोशन तो होता है वो साइक्लोइ जैसा मोशन होता है बट अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारी चीजें दे रखा है तुम्हें उसी से काम चल जाएगा तो पढ़ो क्या के बोल रखा है कि हमने पार्टिकल को यहां से फेंका तो यहां पर जा रहे इसकी वेलोसिटी हो गई है माइनस ऑफ टू वी जे कैप और मैग्नेटिक फील्ड है के कैप में यानी कि आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स कैप में एक्स के डायरेक्शन में तो फिर हमें ये चार स्टेटमेंट्स दे रखा इन चार स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट बताना है कौन कौन सा है और ट्रेजेक्ट्री क्या बोल रखा है कि ट्राइजेट्री नॉर्थ प्रदेश के लिए तो तुम्हें ट्राइजेट्री की चिंता नहीं करनी जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उससे तुम्हें निकालना है तो इसमें यहां देख रहे हो कि ये वेलोसिटी जो पहले थी बाद में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया यानी कि स्पीड बढ़ रहा है तो इसी स्पीड बढ़ता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण स्पीड सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण बढ़ता है कि जो भी चेंज इन स्पीड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण है वर्क इज डन ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम बोलेंगे कि वर्क होगा तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क इज डन ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क होगा मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करता है

तो चार्ज अगर इसका क्यू है तो क्यू इन टू ई ये एक्स के लॉन्ग फोर्स लगा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स और इंटू टू ए इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है चेंज इन कैंटेगरी एनर्जी तो हाफ एम इंटू फाइनली टू वी हो गई है तो फोर वी स्क्वायर और माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर ये बनेगा ठीक है तो यहां से आ रहा है टू क्यू ई ए, ए और इंटू टू इधर ले आए और यहां पर आ जाएगा थ्री एम वी स्क्वायर तो हमें बताना क्या है एक बताना इलेक्ट्रिक फील्ड

जैसे पी पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड फीड्ड डायरेक्शन लगेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और जबकि वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर तो इलेक्ट्रिक फिल्ड का वर्क जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का भी यहां पे जो पावर है वो जीरो है पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं एफ डॉट वी एफ डॉट वी तो पी, पी पॉइंट पे एफ और वी सेमी डायरेक्शन में थे तो एफ डॉट वी एफ भी बन गया क्यू वाले पॉइंट पे एफ और वी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसका पावर जीरो हो गया और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स का तो पावर हमेशा जीरो होता है तो रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द बा फील्ड क्यू तो ये भी सही है फिर एक इसमें रोटेशन भी थोड़ा घुसा दिया है वो रखे डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एंग्लो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट पी एंड क्यू तो पी एंड क्यू पे एंग्लो मोमेंटम अगर देखें तो एंग्लो मोमेंटम एट तो पी कितना हो जाएगा तो जो वेलोसिटी है तो मास इंटू विलोसिटी लीनर मोमेंटम और इनटू ए करेंगे तो एंग्लो मोमेंटम आ जाएगा और जबकि अगर क्यू पे देखूंगा तो क्यू पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और परपेंडिकुलेश्लो मोमेंटम हम ओ पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो मास इंटू टू वी ये उसका मोमेंटम हो गया और इनटू टू ए करेंगे तो ये आ जाएगा मोमेंटम तो इन दोनों मोमेंटम का डिफरेंस टू एम एवी तो ये गड़बड़ है वो थ्री एम एवी आ रहा है तो ये जो ये जो स्टेटमेंट है ये है इनकरेक्ट तो फिर ऑप्शन सही कौन सा बन जाएगा तो तो ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा तो ये भी थोड़ा मेंस के अकॉर्डिंग टफ क्वेश्चन है बट इसमें हमें करना ही है कैसे केसेस में ये करो कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो उसकी स्पीड चेंज होने में सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स का रोल है और इसमें हम ये लगा रहे हैं कि वर्क डन बाई क्ट ऑल द फोर्स इक्वल टू एनर्जी और वर्क डन करेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा okay. तो ये अभी हमने डिस्कशन कर लिया कि मैग्नेटिक फोर्स करंट ये चार्ज पार्टिकल्स पे कितना लगता है उसके कारण चार्ज पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है अब हम आ जाते हैं कि मैग्नेटिकोर्स करंट कैरिंग वायरस पर कितना लगता है तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट यह होता है हमारे पास कि अगर कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंटल वायर है एलिमेंटल वायर है तो एलिमेंटल वायर मान लो यहां हमने बनाया कि लेट से एक डीएल का एलिमेंटल वायर है तो एलिमेंटलिमेंटल वायर ये, ये अगर टोटल फोर्स निकालना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रल ऑफ डीएफ करेंगे और इंटीग्रल ऑफ डी करके अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर उसमें आ जाता है आई इंटू एल क्रॉस बी स्ट्रेट वायर है तो आई एन टू क्रॉस अगर कर्व्ड वायर भी होता है ना, लेट्स अगर वायर कुछ ऐसा कर्व्ड है, तो ऐसे केस में यूनिफॉर्म फील्ड में जो हमें एल वेक्टर लेना होता है वो L वेक्टर इसके और आई इन क्रॉस बी से फोर्स आ रहा है वेक्टर में, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा वो यहां पर थोड़ा लिख रखा है कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई एल बी साइन और अगर लेट्स एंगल 90 डिग्री है तो फोर्स बी आई एल हो जाए तो काफी सारे केसेस बी आई एल वाला केस बनता है <coughs> और अगर एल वेक्टर के ही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये चीजें ध्यान रखनी है है इजी एक ये याद रखना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स तो टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स लगता है म्यूनोट आई वन आई टू पॉइंट टू पाई पर यूनिट लेंथ फोर्स है तो ये करने के लिए अगर मैं देखूं तो मान लो

अगर एल लेंथ पे फोर्स निकालूंगा सेकेंड वायर के अगर मैं एल लेंथ पे इस वायर पे एल लेंथ ऑफ वायर टू पे अगर मैं फोर्स निकाल लू वन के कारण तो वो हो जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू, टू वन उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई टू आई इन टू एल और इंटू बी वन वाला आएगा और इंटू बी और एल के बीच में एंगल है नाइन्टी डिग्री

और बी एन टू द प्लेन तो एल क्रॉस भी अगर करोगे तो यहां से दिख जाएगा कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो इस पर इधर फोर्स इस पे इधर फोर्स तो ये बेसिकली अगर इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है ये वाला जो केस है सेम डायरेक्शन ऑफ करंट वाला केस है सेम डायरेक्शन ऑफ करंट तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और अगर यहां पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट रिपल्सिव तो फोर्स लगता है तो ये चीज याद रखोगे तो इससे हो जाएगा काम एक ये क्वेश्चन है इसको एक बार देखो <coughs> दो वायर्स दे रखा है आई वन आई टू दो करंट कैरिंग वायर्स हैं। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स हैं। तो वो रखा है कि एक तीसरा वायर को हमें रखना है ए से एक्स डिस्टेंस पे सो so दैट उस पर फोर्स नहीं लगे उस पर फोर्स नहीं लगे तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या है तो उसमें डिसाइड करो कि पहले कहां पर रखना पड़ेगा कहां पर रखना पड़ेगा कि फोर्स नहीं लगने के लिए जिस वायर को हम रख रहे हैं उस वायर के लोकेशन पे फील्ड जीरो होना चाहिए तो यहां पे फील्ड कहां पे जीरो होगा तो अगर अगर मैं एंड के कारण फील्ड देखूं तो I1 के कारण फील्ड इसके राइट right में होगा इनटू द प्लेन राइट वाले पूरे रीजन में इनटू द प्लेन होगा ये बी वन कुछ इधर होगा और लेफ्ट वाले रीजन में होगा आउट ऑफ द प्लेन बी वन कुछ इधर होगा और अगर मैं टू वाले के कारण देखूं तो उसमें करंट का जो डायरेक्शन दिख रहा है उस करंट के डायरेक्शन से अगर देखोगे तो बीच वाले रीजन में उसका ही अंदर होगा और इधर वाले रीजन में उसका बाहर होगा ये वही करोगे कि करंट डायरेक्शन में थंब ले जाओगे और फिर फिंगर्स कर्ल करके दिख जाएगा कि किधर मैग्नेटफी आ रहा है तो यहां पर मैग्नेटफी जीरो किधर हो सकता है जहां पर दोनों के कारण मैग्नेल अलग 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 डायरेक्शन में है तो वो बीच वाले रीजन में नहीं होगा या तो वो ए के लेफ्ट में होगा या तो वो बी के राइट में होगा या तो ए के लेफ्ट में या बी के राइट में तो दोनों केसेस को यहां पे अगर मैं बना लू जेट से मैंने एक यहां पे पॉइंट ले लिया एक यहां पे पे पॉइंट ले लिया तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि जीरो हो जाए तो इसका डिस्टेंस हमें यहां से लेना है तो ये वन वाला वायर है और ये टू वाला वायर है और इनके बीच का डिस्टेंस है डी तो यहां पर अगर देखोगे इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक तो डायरेक्शन ऑफ मैग्निफील्ड वन के कारण आउट ऑफ द प्लेन होगा और टू के कारण इनटू द प्लेन होगा यहां पे बी वन जो है जिस पॉइंट पे मैं दिखा रहा हूं उस पॉइंट पे B1 जो है दैट इज करके देखोगे तो आउट ऑफ प्लेन और बी टू जो है तो यहां से की हो जाएगा। B1, B2 में क्या करोगे दोनों में करेंट आई वन आई टू है और डिस्टेंसेज हमने यहाँ पे दिखा रखे तो बी वन हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई वन अपॉन टू पाई एक्स इज इक्वल टू बी टू हो जाएगा म्यूनोट इंटू आई टू अपॉन टू पाई एक्स प्लस डी तो एक ये वाला केस बन जाएगा एक केस होगा सेकेंड वाले वायर के राइट में उसको मैं राइट वाले डायग्राम में बना रहा हूं यहां पर अच्छा इसमें डिस्टेंस हमें निकालना है इस वायर से तो ये ये वाला डिस्टेंस डिस्टेंस हो जाएगा और ये है तो इस पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो ये हमारे वायर, वायर वन है और ये टू है तो वन वाले वायर के कारण बी वन के कारण यहां पे मैग्नेट फील्ड इन टू द्लेन होगा और बी टू के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर करके देखोगे तो ये आउट ऑफ द प्लेन आएगा और तुम्हें बी वन इक्वल टू बी टू कर देना है तो बी वन इक्वल टू बी टू करने के लिए बनाओगे। I1 2 pi X, से लिया है, इसमें आई थिंक दो ऑप्शन है एक्स के दो वैल्यूज आएंगे तो दोनों ऑप्शन करस्पॉन्डिंगली मैच कर लोगे तो यही करना था कि दो करंट कैरिंग वायर्स है इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स और उनका फील्ड हमें जीरो करना था तो हमने ये ढूंढा कि किस रीजन में फील्ड जीरो हो सकता है और उस रीजन पे पॉइंट मान के हमने उसका लोकेशन निकाल लिया एक ये देखो एक स्क्वायर लूप पे हमें फोर्स बताना है कितना स्क्वायर लूप पे फोर्स कितना स्क्वायर लूप है और एक इंफिनेट वायर है तो इस वाले लूप के कारण अगर मैंने मान लो एक ये वाला लाइन ले लिया इस वायर लाइन इस लाइन पे फोर्स किधर लेगा

तो एल वेक्टर नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड टू द प्लेन है ये समझ में आ रहा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा इस इसपे फोर्स इधर लगेगा इसको मैं वन पे फोर्स बोल बोलता हूं राइट right की तरफ फोर्स लगेगा अपोजिट साइड जो है इसका अपोजिट वाला साइड उसको अगर मैं टू बोल रहा हूं तो उस उसपे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा देखो तो उसका एल वेक्टर ऊपर की तरफ है एल वेक्टर ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो उस उसपे अगर देखोगे तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लेफ टू और ऊपर एंड नीचे वाला जो थ्री है ना थ्री और फोर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट फोर तो थ्री एंड फोर पे जो भी फोर्स लगेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज थ्री पे फोर्स क्लियर लग रहा होगा तो उसका कोई भी एलिमेंट देखोगे अगर तो चलो उसको मैं अभी देखता हूं कि वन लिख रहा हूं कि एफ कितना होगा एफ वन वन वाले वायर पे फोर्स कितना होगा तो एफ वन हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला केस है तो उसमें करंट है आई टू तो आई एन एल उसका साइड ए है तो आई इन एल क्रॉस बी बी हो जाएगा वहां पे म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई ए ये हो जाएगा और ये किधर लग रहा है तो ये हमने देखा कि ये लग रहा है टूवर्ड्स राइट एफ वो नहीं लग रहा है एफ टू कितना लगेगा टू मैंने उसके अपोजिट वाले साइड को टू बोला है तो उसमें करंट है आई टू लेंथ है ए और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हो जाएगा म्यूनोट आई वन अपॉन टू पाई टू उसका डिस्टेंस हो जाएगा टू ए और वो किधर लग रहा है तो, हमने direction तो वो हमने डायरेक्शन अगर देखा तो इधर आ जाएगा डायरेक्शन तुम एल क्रॉस बी से देखोगे कि करंट डायरेक्शन में एल वेक्टर होगा तो एल क्रॉस बी निकालोगे तो वहां से डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगा अच्छा थ्री एंड फोर पे फोर्स कैंसल आउट हो जाएंगे थ्री एंड फोर वाले आउट हो जाएंगे एंड मैं अभी यहां लिख रहा हूं अभी कैलकुलेट करके भी देख लेंगे कितना लगेगा बट अभी जरूरत नहीं एफ थ्री एंड एफ फोर ये कैंसल आउट कैंसल आउट तो नेट फोर्स सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा तो एफ नेट जो होगा वो एफ वन बड़ा दिख रहा है तो एफ वन माइनस एफ टू होगा और ये राइट की तरफ आरोप एफ एन माइनस एफ टू राइट की तरफ तो अगर डिफरेंस लेके देखोगे तो वो फिर सी वाला ऑप्शन मिल जाएगा अच्छा थ्री और फोर वाला फोर्स कैंसिल निकालना पड़ जाए ऐसा फोर्स तो वो निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है जैसे वन एंड टू के लिए इंटीग्रेशन नहीं यूज करना पड़ा क्यों नहीं यूज करना पड़ा देखो कि वन वाला जो वायर था वो ये वाला अभी हाईलाइट कर रहा हूं ये वन वाला वायर था तो इस वायर के पूरे लोकेशन में और वो मैग्नेटिक फील्ड और एल के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा तो वो तो डायरेक्टली आ गया ये वाला वायर, भी हर इसके, इस वायर के पूरे लोकेशन में रखने वाला केस हो गया लेकिन लेट से ये फोर वाला वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा बिकॉज इसके अलग अलग पॉइंट में फील्ड अलग, -अलग होगा तो अगर फोर वाला फोर्स निकालना पड़ जाए इस केस में निकालने की जरूरत नहीं बिकॉज कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब फाइंडिंग एफ फोर में देख रहा हूं फाइंडिंग एफ फोर यह हम कैसे निकालेंगे अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है आई वन और एफ फोर में करंट किधर जा रहा था ये राइट right की तरफ है हमसे जो वायर बोला गया है वो वायर ये वाला वायर है लेट से ऐसा है इसको हम फोर्थ वायर बोल रहे थे और इस पर हमें फोर्स बताना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चूंकि इसके लोकेशन मैग्नेटिक फील्ड नॉन इनफॉर्म है तो हमें इसके एक्स डिस्टेंस पे आके और एक ऐसा डीएक्स एलिमेंट लेना पड़ेगा यह वाला एलिमेंट डीएक्स और इस एलिमेंट के लोकेशन पे यहां फील्ड कितना है एक्स तो वेरी कर रहा होगा इसलिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसमें फोर्स किधर कि लेगा तो इसका डीएल है डीएल वेक्टर का देखो तो डीएल राइट की तरफ है प्लेन है तो डीएल क्रॉस भी करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा आई इंटू डीएल क्रॉस बी से निकलेगा इस पर फोर्स एलिमेंटल फॉर्म हम लगा रहे हैं तो इस पर जो फोर्स आएगा वो ऊपर आएगा इस पर डीएफ ऊपर आएगा और ये डी निकालने का तरीका होगा वेक्टर फॉर्म में ये होगा डी एफ टू आई इंटू डीएल क्रॉस बी वैक्टर फॉर्म में ये होगा इसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम ये कर रहे हैं कि आई जो हो जाएगा इसमें जो करेंट है आई टू वो आ जाएगा आई टू इंटू डीएल की जगह आ जाएगा डीएक्स थोड़ा जगह बनाते हैं एक मिनट यहां पे ये यह I2 आया DL के जगह DX आ गया और DL और B के बीच में एंगल है 90 डिग्री बिकॉज DL है इस प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई म्यूनोट आई वन अपॉन टू पाई एक्स और ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री ये हो गया DF और तो टोटल फोर्स अगर निकालना है तो ये इंटीग्रल ऑफ डी एफ होगा और ये इंटीग्रेशन अगर करोगे तो इसमें देखोगे म्यूनॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई ये सब कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ

इसके अपोजिट वाला जो साइड था उस पर इतना ही फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ तो वो दोनों ही फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी अगर निकालने की जरूरत पड़ती तो हम ऐसे निकालते कभी कभी अगर आ गया निकालने के लिए तो ऐसे निकालोगे आएगा और ये इंटीग्रेशन अगर करोगे तो यह आ जाए म्यूनोट आई वन आई टू अपॉन टू पाई और एल एन आ जाएगा एल एन ऑफ टू हो जाएगा एल एन ऑफ टू अपॉन एल एन एल एन ऑफ टू अपॉन एल एन टू हो जाएगा इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ रहा था चलो तो अब हमने फोर्स वाला डिस्कशन कर लिया फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स कर लिया उसके बाद हमने फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर्स भी कर लिया अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक की तो कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है उसको हम मैग्नेटिक मैग्नेटिका की तरह ट्रीट कर सकते हैं कोई भी करंट कैरिंग लूप है प्लेनर लूप होना चाहिए करंट कैरिंग प्लेनर लूप यहां पे मैं लिख रहा हूं यहां पे लिख भी रखा है काफी मैंने यहां पे एक स्नैपशॉट ले डाल दिया है एनी करंट कैरिंग प्लेनर लूप कैन बी considered as कैन बी considered as मैग्नेटिक dipole hmm. कोई भी करंट कैरिंग प्लेनर लूप है तो उसको मैग्नेटिक डायपोल की तरह सोच सकते हैं कैन बी कंसीडर एज मैग्नेटिक डाइपोल उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा तो उसके लिए फॉर्मूला ही है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मला है एन आई ए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा तो वो हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ 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 करंट 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 डायरेक्शन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं यहां पे एन है 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 नंबर टर्न्स आई इन द लूप और ए एरिया 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 टर्न निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं वो डायग्राम मैंने यहां पर दिखा रखा है कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अपने राइट हैंड के फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करो और थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा और एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो मैग्नेटिक मैग्नेटिकापोल का मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे निकालना है कि लूप में जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में तुम फिंगर्स कर्ल करो और थम जिस डायरेक्शन डायरेक्शन में जा रहा है वो थम का तुम्हें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देगा तो लूप तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक्स होते ही है उसके साथ साथ एंड मैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं यहां पर यह दिखा रखा है एक यहां दिखाया है दिस इज सोलिनोड ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है बार मैग्नेट तो इनको भी हम मैग्नेटिक डायपोल्स ही बोलते हैं दिस आर आल्सो मैग्नेटिक ये भी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। तो कोई भी करेंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल है साथ ही साथ कोई बार मैग्नेट magnet भी मैग्नेटिक डाइपोल है और सॉलिड भी मैग्नेटिक डाइपोल है अब मैग्नेटिक डाइपोल में हम बार मैग्नेट में चूंकि नॉर्थ पोल पोल बोलते हैं तो वैसे हम किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बोल सकते हैं तो नॉर्थ पोल हो जाएगा जिधर से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है फील्ड लाइन निकल रही है नॉर्थ पोल से और यहाँ पे एंटर आ रही है अच्छा ये फील्ड लाइंस अंदर में भी होती हैं अंदर में भी होती हैं ये पूरा पूरा मतलब एक फील्ड लाइन अगर बनाऊंगा फील्ड लाइन तो ये कुछ ऐसा है तो बाहर वाले पॉइंट्स पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल में होती है और अंदर वाले बार मैग्नेट के अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है ये पूरा फील्ड फीडलाइन हमेशा क्लोज लूप्स बनाते हैं तो सोलोइड का जो फील्ड दिखता है वो कुछ है अगर ऐसा दिख रहा है बाहर में फील्ड वीक होता है वैसे फील्ड फीडलाइंस वीक होती है बाहर में बट फील्ड फीडलाइंस यहां से निकलते हुए दिख रहे हैं तो इसको नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं इसको साउथ पोल बोल सकते हैं तो ऐसा कन्वेंशन हम कभी कभी बोल देते हैं बट नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं भी बोले तो हमें बस मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन निकालना आना चाहिए अब मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं? तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक एक्सियल पॉइंट है और एक इक्वेटोरियल पॉइंट है एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे अगर देखें तो ये बेसिकली इसको अगर बनाओगे ना तो इसका जो फॉर्मूला है, है इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बी ऑन एक्सिस इसको टू के एम बाई आर क्यूब ऐसा लिख रहा हूं टू के एम बाई आर क्यूब यह याद आ रहा है ये कुछ वैसा है जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मला याद रखते हैं तो यहां मैग्नेटिक डाइपोल में भी कुछ नॉट इलेक्ट्रोस्टाटिक्स में यहां पर जो के म्यूनोटन फोर पाई तो बी ऑन एक्स है टू के एम बाई आर क्यू और बी ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ये माइनस ऑफ के एम अपॉन आरक्यू वही फॉर्मूला चल जाएगा बस हमें

ये जो हमारे पास डाइपोल है ये एम वाला इस डाइपोल को रिजोल्व कर लो एक इधर की तरफ एम कॉसा तो इसके लिए बी वन एक्सल पॉइंट वाला रिजल्ट हो जाएगा एक इसका ये थीटा थीटा है तो इस M sin के बी टू निकालने के लिए इक्विटोरियल e पॉइंट वाला रिजल्ट यूज कर लोगे इसलिए हमने अपोज डायरेक्शन में दिखा रखा है और बी वन बी टू दोनों आ गया तो रिजल्टेंट निकाल लोगे तो जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में करते हैं वैसे ही कर लोगे गए इजी है एक और ध्यान रखना है कि कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसका क्या क्या बिहेवियर होता है तो ये भी कुछ वैसा ही है जैसा कि इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फिल्म होता है कि जीरो फोर्स लगता है, एक पोटेंशियल जो होगा माइनस ऑफ एम डॉट बी वहां पर होता था माइनस ऑफ पी डॉट ई और दो पोजिशन इक्विलिब्रियम के होंगे हमेशा जीरो फोर्स ऑन डायपोल तो हमेशा जीरो तो तो होगा फील्ड में लेकिन टॉर्क जीरो होगा वो दो ही पोजिशन के लिए होगा और एक पोजिशन होगा थीटा इक्वल टू तो डिग्री एम क्रॉस भी अगर है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है थीटा इक्वल टू तो डिग्री के लिए और थीटा थीटा इक्वल टू तो डिग्री और और यहां पे है डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो थीटा इक्वल टू तो जीरो डिग्री वाला जो होता है वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इक्वल टू तो वन एटी डिग्री वाला वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो इसको भी ध्यान रखना है और इस पूरी एनालॉजी को यहां पे जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स के साथ एनालॉजी है तो यहां पर टेबल के फॉर्म में दे रखा है तो बिल्कुल एनालॉगस रिजल्ट है जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता है वैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल के लिए है तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला रिजल्ट याद है तो ये मैग्नेटिक डाइपोल वाला रिजल्ट भी तुम याद कर सकते हो आसानी से इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो एक ही क्वेश्चन देखते हैं एक स्क्वायर लूप है ये बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने वाला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे तो बोल रखा है कि एक स्क्वायर लूप है उसमें करंट आई है और इसके मैग्नेटिक डायपोल का जो मोमेंट है वो है एम अगर इसको सर्कुलर लूप में चेंज कर देंगे और सेम करंट है तो मैग्ने डायपोल का अब मोमेंट क्या हो जाएगा तो इजी है स्क्वायर लूप है और इसमें हमें कुछ स्क्वायर लूप इस कैरिंग करंट आई इसमें थोड़ा एक चीज बोलना चाहिए था कि जो स्क्वायर लूप का साइड है मान लो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जैसे जेई मेन के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना कभी कभी इनमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिसिंग होता है तो ये ए और उसी रेडियस का सर्कुलर लूप ये वाला केस है तो इसका जो बेसिकली अगर लेंथ के टर्म्स में लिखें कि इसका जो लेंथ हो जाएगा वो लेंथ हो जाएगा फोर ए या एरिया के एरिया लिख लेते हैं स्क्वायर लूप इज कैरिंग ए करेंट आई

और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखें तो करंट अगर आई है तो इसका हो जाएगा एन आई ए होता है करंट अगर हमारे पास आई नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है कुछ नहीं बोल रखा है तो एक ही मानेंगे तो करंट और इनटू एरिया एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर इसका जो हो जाएगा डैश ये हो जाएगा करंट वही बोल रखा है और एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बोल रखा है कि उसी लूप को पहले हमने स्क्वायर में बेंड किया है और फिर हमने सर्कल में बेंड कर दिया है यानी कि लेंथ सेम है तो इसको फिर हमें ऐसा करना चाहिए कि लेंथ के टर्म से लिखना चाहिए तो ये आई हो जाएगा और इंटू ए की जगह हमने एल बाई फोर का स्क्वायर लिख लिया का स्क्वायर तो और पे एमडास हो जाएगा आई इन टू पाई आर की जगह हम लिख लेते हैं एलअपॉन फोर पाई का स्क्वायर सॉरी एलअपोन टू पाई का स्क्वायर ये जो हमने लिखा है ना वन मिनट ये एल अपॉन टू पाई का स्क्वायर तो ये आ रहा है हमारे पास आई एल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन और यहाँ पे आ रहा है एम डैश आई और एक पाई नीचे रह जाएगा तो आई एल स्क्वायर अपॉन फोर पाई ये आ रहा है तो हमें एम डैश बताना है एम पता है तो एम डैश अपॉन एम अगर करेंगे एम डैश अपॉन एम एम डैश अपन एम अगर करोगे तो आई एल स्क्वायर अपॉन फोर वो कैंसिल ही हो जाएगा तो आ जाएगा वन अपॉन पाई और फिर क्या बचेगा एक वन अपॉन पाई अपॉन वन अपॉन फोर यह आ जाएगा ये आ जाएगा तो फोर अपॉन पाई आ जाएगा फोर अपॉन पाई तो दिस इज फोर अपॉन पाई तो फिर एमडैश निकालना है तो फोर एम अपॉन पाई हो जाएगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा तो इसमें ये है तो इसमें रखा है कि उसी स्क्वायर लूप को सर्कुलर लूप में चेंज कर दिया तो हमें यह मानना है कि उसका लेंथ हम वही रख रहे हैं तो पहले अगर ए रेडियस का ए ए साइड का स्क्वायर लुप था तो उसका लेंथ था तो उतना ही लेंथ से हमने अब रेडियस आर का एक लूप बना लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों केस में लिख के और हमने रिजल्ट यूज किया रेशियो निकाल के ये आ जाएगा तो सिंपल सा केस है ठीक है नेक्स्ट फिर हम आ, देखते हैं एक मिनट एक हम ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल

इसका एम है और दूसरे वाले का टू है तो इस एम वाले के लिए क्या यहां पे जो मागने, इस इस जो मैग्नेटिक ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं इस पार्टिकल पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है तो उसके लिए हमें नेट फील्ड चाहिए अब नेट फील्ड में दोनों का फील्ड आएगा इसको अगर मैं वन बोल रहा हूं और इसको टू बोल रहा हूं तो जिस पॉइंट की बात हो रही है उस पॉइंट पे वन का फील्ड आएगा तो वन का फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज एग्जिट पॉइंट है और ये बी क्या होगा बी की वैल्यू हो जाएगी बी की वैल्यू मैं यहां पर लिखा रहा हूँ बी की वैल्यू हो जाएगी

डिग्री पे आ गया और पार्टिकल की पार्टिकल, पार्टिकल फेंका था ना उसकी भी में थी तो फिर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज नेट वेलोसिटी के आ गया एंगल जीरो बी में वी और बी अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो फोर्स जीरो होता है तो ये जीरो फोर्स वाला केस बन गया जीरो फोर्स लगेगा ठीक है ओके okay. तो अब एक ये ये एग्जांपल्स मैं दे दूंगा खुद से एक बार करना अब थोड़ा टाइम कम है तो हम इसमें आ जाते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे तो ये दोनों चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म में एक तो ये होता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वो एक डायपोल की फील्ड की तरह होता है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है डायपोल की फील्ड की तरह होता है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है तो उसकी फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे दिख रही है यहां फील्ड फीडलाइंस दिखा रखा है तो एक हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ है और एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ है दो 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 एक मैग्नेटिक इक्वेटर जो ज्योग्राफिक जो, जो, इक्वेटर उसे करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक नॉर्थ तो मैग्नेटिक नॉर्थ ये है और सॉरी ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ तो इनके बीच में एक एंगल होता है अच्छा ये जो इसमें नॉमिन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो वो मैंने वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए यहां पे सब कुछ क्लियरली लिख रखा है कि मैग्नेटिक नॉर्थ हम बोलते हैं कि अगर मैंने एक मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिधर जाके सस्पेंड होगा जिधर जाके पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है ठीक है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक नॉर्थ पे अंदर आ रही हैं तो कुछ बच्चों को लगता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो अर्थ के अंदर जो एक बार मैग्नेट की तरह सोचे अगर कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है वैसे अर्थ के अंदर बार मैग्नेट नहीं होता है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो होता है बिकॉज ऑफ

अर्थ का जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वहां पे मैग्नेटिक साउथ पोल उसी के पास होता है लेकिन थोड़े से एंगल पे होता है एक ये चीज है अब किसी भी जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर क्वांटिफाई करना है तो उसके लिए तीन एलिमेंट्स होते हैं एक होता है मैग्नेटिक डेक्नेशन एक होता है डिप और एक होता है हॉर्जिटल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर थोड़ा डायग्राम में मैं दिखा रखा है कि मैग्नेटिक ये सारे टर्म्स का मतलब क्या है तो ये इस इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखना है? कि ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ये किसी भी जगह पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ये है तो उस जगह पे जो हॉर्जेंटल डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन से थोड़ा नीचे की तरफ होता है तो उसका हॉर्जेंटल कॉम्पोनट फिर ये वाला है ये है और ये वर्टिकल कॉम्पोन वर्टिकल कॉम्पोन क्या होगा कि जिस जगह पर तुम खड़े हो उस जगह पर अगर वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि अर्थ का जो सर्फेस दिख रहा होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का होता है वो किसी ऐसे एंगल पे होता है किसी भी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड डू टू अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड टू अर्थ वो ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ना ही हॉर्जेंटल होता है वर्टिकल डायरेक्शन तो समझ में ना अर्थ के सर्फेस की तरफ वाला डायरेक्शन इज वर्टिकल डायरेक्शन और हॉर्जेंटल डायरेक्शन डिग्री पे तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कॉम्पोनेट होते हैं एक इसको हम वर्टिकल कॉम्पोनेंट बोलते हैं ये हॉर्जेंटल कॉम्पनट बोलते हैं अब हॉर्जेंटल कॉम्पोनेट जो अर्थ का है वो नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा है वो नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन तो मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से अर्थ यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेन ये है ये वाला प्लेन जो है इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है और नॉर्थ एक ये वाला प्लेन हो गया और एक ये वाला प्लेन हो गया ये वाला प्लेन तो ये वाला प्लेन है नॉर्थ साउथ वाला प्लेन कि जोग्राफिक नॉर्थ और साउथ वाला प्लेन ये है जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में आ रहा है तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ डेक्लेनेशन बोलते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक्लेनेशन या फिर ऐसे समझ लो कि किसी भी जगह पे जो हॉजिटल कॉम्पोनेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉर्जिटल कॉम्पोनेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से जो एंगल बना रहा है इस एंगल को हम बोलते हैं डेक्लेनेशन ठीक है और फिर डिप हम बोलते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हॉर्जिटल से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है

कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस में है तो मैं क्या करूंगा कि इस डेरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो इसका एक और एक वर्टिकल कॉम्पोनल डायरेक्शन से जितने एंगल को हम बोलते हैं, dip, बोलते हैं। और आ गया, आ गया, जबकि नॉर्थ डायरेक्शन इधर है नॉर्थ डायरेक्शन ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लीनेशन किसी भी जगहों पे अगर हम तीन चीजें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हॉर्जेंटल कॉम्पोनेंट कितना है डिक्लीनेशन कितना है डिक्लीनेशन में बता देगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्थ से कितना एंगल पे है और डिप बता देगा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां से कितना नीचे है तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिसका यूज कैसे करना है तो मान लो एक एग्जांपल मैंने ये एनसीईआरटी आर्टिकल ले रखा है इसको एक बार देखो इस डायग्राम को एक बार खुद से थोड़ा विजुलाइज करना यहां पे इसको एक बार देखो

तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को हॉर्जिटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेट से जो एंगल रिलेट करता है दैट एंगल इज द एंगल ऑफ डिप तो एंगल ऑफ डिप का ही जनरली यूज होता है डिक्लेनेशन ज्यादा में यूज नहीं होता डिप यूज होता है तो डिप में बस ये करना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉर्जिटल के बीच का एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप इसके बेसिस पे क्वेश्चन करके देखते हैं जैसे एक ये क्वेश्चन देखो बोल रखा है एक क्वेश्चन पढ़ो एट सम लोकेशन ऑन अर्थ द देंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है एट दिस लोकेशन मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ और पोल स्ट्रेंथ ये सब दे दिया है पोल स्ट्रेंथ और लेंथ तो पोल स्ट्रेंथ और लेंथ अगर मिल जाएगा ना तो उससे हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं किसी मैग्नेट magnet का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो बेसिकली पोल स्ट्रेंथ और इनटू लेंथ इससे निकल जाएगा यूनिट अगर देखोगे तो यहां पे यूनिट क्या बन रहा है पोल स्ट्रेंथ दे रखा है वन पॉइंट एट और टू जीरो पॉइंट वन टू और यह आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर जो बनेगा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर तो स्क्वा काट का यूनिट मीटर स्क्वायर तो ये किसी भी बार मैग्नेट का अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो वो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होगा ऐसे निकलेगा तो एक बार मैग्नेट था उबर रखा है उसको हमने उसके मिड पॉइंट से सस्पेंड कर दिया तो फोर्टी फाइव डिग्री हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है तो बार मैग्नेट किधर सस्पेंड होगा वो सस्पेंड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो अगर मैं यहां पे दिखा रहा हूं मैंने वही वाला डायग्राम फिर से ले रखा है तो यहां पे पर यह जो बार मैग्नेट हुआ होगा ना वो कुछ ऐसा सस्पेंड हो गया होगा पॉइंट अगर फ्री सस्पेंशन छोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा सस्पेंड हो गया होगा और इसमें इसका इधर नॉर्थ पोल होगा इधर साउथ पोल होगा ऐसा सस्पेंड हो गया होगा इन डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड तो यानी कि इससे हमें क्या मिल गया कि जो एंगल ऑफ डेक्लेनेशन है वो एंगल मिल गया यहां पे जो परमेशन इधर रखा था उससे एंगल ऑफ डेक्लेनेशन मिल गया कि वो 45 डिग्री है रखा है कि तो से 45 डिग्री नीचे टिल्ट होके ये मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो 45 डिग्री इज द एंगल ऑफ डेक्लेन बिकॉज ऐसा सस्पेंडेड बार मैग्नेट किसी भी एक पॉइंट अगर उसको सस्पेंड करोगे तो हमेशा पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड यह आ जाएगा तो शुरू में ऐसा था अब बोल रखा है कि हमें क्या ये इनिशियल इसका इनिशियल सिचुएशन ये 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 जो है ये इनिशियली ऐसा था इनिशियली Finally बोल रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसको हॉर्जेंटल करना चाह रहे हैं तो इसको करने के लिए हमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा तो वो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा तो जब हम हॉर्जेंटल करेंगे इन हॉर्जेंटल पोजिशन इन हॉर्जेंटल पोजिशन तो अगर बार मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो वो जाके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा बिकॉज वहां पे उसका टॉर्क जीरो लग रहा है तो अगर हॉजन पोजीशन है तो हॉजनल पोजीशन पे टॉर्क जीरो नहीं होगा टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में एंगल फोर्टी फाइव डिग्री बन जाएगा तो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अगर मैं अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड को बी लिख रहा हूं तो बी और इंटू मैग्नेटिक मोमेंट और इंटू साइन फोर्टी फाइव डिग्री तो 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 स करना पड़ेगा तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एफ और सस्पेंड किया था हमने मीड पॉइंट तो लगाना पड़ेगा और ये फिर टॉर्ग ऑफ मैगनेटिक फोर्स बीई इंटू एम इंटू

तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लग रहा होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसको बैलेंस करने के लिए चलो एक ये भी खुद से कर लेना अभी थोड़ा हम ये कर आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है छोटा सा डिस्कशन होगा कर लेते हैं तो इसमें होता है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है जैसे कि डायलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो डायलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है तो मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मैग्नेटाइज्ड गेट्स मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटाइज हो जाता है और ये उसी तरीके का है सेम एज सिमिलर एज सिमिलर एज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाईलैक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है अब वो किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे हमने डिफाइन किया हुआ है तो वो करके देखते हैं कि जैसे इसमें डायलेक्ट्रिक वाले केस में क्या होता है डायलेक्ट्रिक वाले केस में जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो हो जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाते हैं अपॉन एप्सन आर टाइम्स हो जाता है उसी तरह से मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज होता है उस कारण से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो जो एक्सटर्नल फील्ड हम लगाते हैं उसका इनटू टू म्यू आर टाइम्स हो जाता है इनटू टू म्यू आर यह हो जाता है कि यहां पे म्यू आर एप्सलन में वन बाई उसका फर्क है तो ये बिल्कुल अनलॉगे सिचुएशन है कि जैसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायरेक्ट्रिक को डालते हो तो डायरेक्ट्री पोलराइज हो जाता है और पोलराइज होने के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एप्सन आर हो जाती है वैसे ही किसी भी मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटाइज होने के कारण फील्ड होगा का तो सारे टर्म्स डिफाइन किया हुआ है वो मैं थोड़ा ब्रीफली यहां पर लिख देता हूं और फिर समझाता हूं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाला और प्लस मैग्नेटिक फील्ड एक आ जाएगा मैग्नेटाइजेशन होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन और ये दोनों मिलके म्यू आर टाइम्स एक्सटर्नल हो जाएगा यानी कि किसी भी मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में दो रोल होगा एक होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रोल और एक होगा उसके खुद के मैग्नेटाइजेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड का रोल तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रोल होता है उसके लिए फिर एक टर्म डिफाइंड होता है यहां पर देखो टर्म डिफाइन कर रखा है कि एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके लिए टर्म डिफाइंड है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइन करने का तरीका ये है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंटेंसिटी डिफाइन कर रखा है h b0 mu0, है ये तो ये बेसिकली कैरेक्टराइज कर रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटाइज कितना होता है वो डिपेंड करता है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड

टू एच बाहर आ जाएगा और वन प्लस ये हो जाएगा मैग्नेटिक्टेबिलिटी तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा आ रहा है का ही बोलते हैं मैग्नेटिक सबिलिटी है और इंटू एच ये बनेगा और म्यूनोट इंटू एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था तो ये आ गया प्लस म्यू एच वाज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इसी वाले टर्म को फिर हम म्यू आर बोल देते हैं यानी कि यहां पे म्यू आर जो हो गया म्यू आर इज वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो ये होता है कि मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में दो चीजों का रोल होगा एक होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करने के लिए एक टर्म हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइन करने का तरीका ऊपर में यहां पे लिख रखा है सब लिख रखा है, है।, तो है तो बी नॉट एक्सन मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं और उस मैग्नेटिक इंटेंसिटी जितनी है मैग्नेटाइज हो जाता है और मटेरियल अगर मैग्नेटाइज हो गया तो मैग्नेटाइजेशन के कारण फील्ड होगा वो म्यू नॉट इनटू एम होगा नॉट इनटू एच है तो दोनों का एडिशन हो जाएगा

ठीक है टर्म्स का मतलब थोड़ा ध्यान रखना है अब यहां पे एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें बोल रखा है कि एक पैरा मैग्नेटिक है पैरा मैग्नेटिकांस क्या होता है वो भी आगे आ जाएगा जैसे इस क्वेश्चन में पैरा मैग्नेटिकांस की एसज कुछ जरूरत है नहीं इसमें क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो बोल रखा है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम इतनी लगाते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी अच्छा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा एम्पियर पर मीटर एम्पियर पर मीटर यूनिट हो जाएगा वो तुम यूनिट निकाल के देख सकते हो तो इसकी यूनिट एम्पियर है की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, है जैसे अगर यहां पे हम एक लिखे ना, कि जैसे एच और फील्ड में क्या है जैसे अगर solidoid. तो सोलोनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉट एन आई ये सोलोनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है तो एच हो जाएगा नॉट से डिवाइड करके एन इन आई एन आई

और उसके पास इतना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जा रहा है तो यानी कि अगर मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करें तो मैग्नेटाइजेशन होता है मोमेंट मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो इसका कितना है ट्वेंटी और सब कुछ ऐसा ही में ही है तो डायपोल मोमेंट इतना है तो मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करने का तरीका होता है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे ये क्यूब है वन सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा वन सेंटीमीटर इज माइनस टू और उसका क्यूब

तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा किसी में ऐसे भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा तो अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है उसको हम बोलते हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम हो जाएगा उसको डाई मैग्नेटिक बोलते हैं अंदर में मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगा उसको हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा और अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक तो ये एक टेबल बना रखा है जिसमें की वैल्यूज बता रखा है, तो की वैल्यू अगर ये epsilon, epsilon जो ई सिंबल यूज कर रखा है ना e बहुत छोटी सी वैल्यू है तो पैरामैग्नेटिक के लिए ये पॉजिटिव होता है बट बहुत छोटा होता है और म्यूआर फिर वन प्लस हो जाता है ठीक है और म्यू आर इंटू म्यू नॉट करते हैं तो वो म्यू आता है तो ये सारे टर्म्स काई पता चल गया तो बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे तो काई की वैल्यू पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है पैरा मैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है डायमैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए काफी पॉजिटिव होती है यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटीरियल बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो पैरा मैग्नेटिक मैग्टाइज होता है बट छोटे एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज होता है डाय मैग्नेटिक में उल्टा हो जाता है में तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे कम हो जाता है अब क्यों कम होता है उसके रीजन में अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है तो बस इसको फैक्ट की तरह ध्यान रख लोगे और यहां पे जैसे फील्ड फीडलाइन बना रखे इस फील्ड लाइन से विजुलाइज करने का अच्छा तरीका है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो भी था फेरोमैग्नेटिक है तो अंदर फील्ड देखो कितना क्राउडेड क्राउडेडेड पैरा मैग्नेटिक है तो मैग्नेट फील्ड क्राउडेड हुआ लेकिन थोड़ा सा क्राउडेड हुआ यहां पे देखोगे तो अंदर मैग्नेट फील्ड कम हो गया और इसके कारण से एक और होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होता है पैरा मैग्नेटिक मेटेरियल अट्रैक्ट होता है वीकली और फेरो काफी फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ससेप्टिबिलिटी जो होता, वो भी होता है उसके लिए ये वाला लॉ है क्यूरियज लॉ ससेप्टेबिलिटीचर डिपेंडेंट यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ससेप्टिबिलिटी कम होगी और ससेप्टेबिलिटी कम होने का मतलब समझ में आ रहा है

कि क्रिटिकल फेर मैग्नेटिक मेटीरियल काफी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हम करते हैं तो उसके बाद वो फेरो मैग्नेटिक मेटीरियल भी लगभग पैरा मैग्नेटिक मेटीरियल की तरह बन जाते हैं उनका ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है और पैरा मैग्नेटिक बन के बाद फिर उनका भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी कुछ ऐसा ही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी भी ससेप्टेबिलिटी घटती है लेकिन ये घटती है आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर अचीव तो अबव क्यूरी टेम्परेचर ये एक इंपॉर्टेंट है तो ये दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान रखोगे डायमैग्नेटिक में टेम्परेचर से डिपेंडेंट सेबिलिटी का नहीं है कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिक एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एक दो याद कर सकते हो जैसे जनरली जो जिनको हम बोलते हैं ना कि मैग्नेट्स वगैरह बनाते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेट बनाते हैं तो आयरन हो गया कोबाल्ट हो गया ये सब आयरन वाले जो मटेरियल्स हैं एंड उनके अलॉयज वो सब मटेरियल हैं ठीक है एक दो एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो वैसे जेई मेन में तो नहीं आता है कुछ आता है बट थोड़ा एक दो एग्जाम्पल आयरन तो ऑब्वियसली फेरोगनेटिक है वो ध्यान रखना है ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा यानी कि बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है अगर हम उसको एक्सटर्नल एक्सनल फील्ड में डालते हैं तो एक ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है इसमें बोल रखा है कि ससेप्टेबिलिटी एक टेम्परेचर पर दे दिया दूसरे टेम्परेचर पर पूछा गया है यानी कि बस ये हमें यूज करना है कि ससेप्टेबिलिटी जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है यानी कि ससेप्टेबिलिटी वन अपॉन ससेप्टेबिलिटी टू ये हो जाएगा टी टू अपॉन टी वन बस ये यूज करना है इसमें ये सब जो ये दे रखा है ना कि एटम्स पर मीटर की वो सब कंफ्यूज करने के लिए दिया इसका कोई जरूरत नहीं है तुम्हें तो 350 पे ससेप्टेबिलिटी दे रखा है और 300 पे बताना है तो बस ये रेशियो निकालना है ये लॉ का एप्लीकेशन है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो टेम्परेचर होता है तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एक इनसे रिलेटेड होता है हिस्टेरिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हमने बोला कि बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएंगे लेकिन वो मैग्नेटाइज होने के बाद मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं तो वो एक जो पाथ फॉलो करता है उसी को हम हिस्टेरेसिस के नाम से जानते हैं तो यहां पे पे दिखा रखा है इसके बेसिस एक क्वेश्चन भी है मान लो ये क्वेश्चन जो आया है मैंने यहां पे डिफाइन कर रखा है कि उसमें एक टर्म होता है रिटेंटिविटी और एक टर्म होता है और ये क्या होता है ये मैं इसको क्वेश्चन सॉल्विंग में ही ले लेता हूं ऊपर मैंने लिख रखा है वो खुद से एक बार पढ़ लेना मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है तो बोल रखा है कि एक फिगर है जो कि मैग्नेटाइज बी वर्सेस एच ये जो कर्व होता है इसमें एच क्या होता है याद आ रहा है ना एच है एच जो होता है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये होता है बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल रहे थे मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी ये एक तरह से मेजर है कि हम कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं

क्वेश्चन तो में एक चीज यही पूछा गया था कि रिटेंटिविटी एंड सैचुरेशन तो सैचुरेशन का मतलब है कि ये वाला मैग्नेफीडियो तो सचुरेशन की वैल्यू तो हो जाएगी वन पॉइंट ठीक है सैचुरेशन की उसमें चेक करते हो सैचुएशन की वैल्यून पॉइंट थर्ड चीज जो है उसको सैचुरेशन बोला गया फिर हम हम क्या कर रहे हैं एक्सल मैग्नेफीड घटा रहे हैं तो घटाने का मतलब एक्सनल मैग्नीफीड घटा रहे हैं और यहां पर आगे दैट मीस हमने एक्सनल मैग्नेफीड जीरो कर दिया लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ कुछ रह गया ये क्यों रह गया क्योंकि तो जो मैग्नेटाइजेशन हुआ था कि जो मॉलिकुलर डाइपोलमेंट पूरा नहीं हुआ तो इसी कारण से कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके खुद का जो मैग्नेटाइजेशन था उस मैग्नेटाइजेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड रह गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो जीरो नहीं हुआ तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी तो उसकी वैल्यू क्या दिख रही है वन दिख रही है तो इस वाले ऑप्शन में वो रिटेंटिविटी की वैल्यू वन है तो अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना होगा तो समझ में आ रहा है कि जो अलाइनमेंट हो चुका है उस को बिगाड़ना पड़ेगा। तो वो बिगाड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि अपोजित डायरेक्शन में अंदर तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा के तब जाके उसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन में एक अलाइनमेंट हुआ था अपोजि डायरेक्शन वाले अलाइनमेंट को हम ब्रेक कर देते हैं कि मतलब हम अपोजिट कर रहे हैं तो डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं और यहां पे जाके यानी कि इतना मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक्ड अपोजन लगा रहे हैं तब जाके नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ है यानी कि अब उसका अलाइनमेंट डिसऑर्डर्ड हो गया और नेट मैग्नेटिक फील्ड अब जीरो हो गया तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से कि अपोजिट डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा है सो so दैट जो रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बच गया था वो फिर से जीरो हो जाए तो इस चीज को हम बोलते हैं कोएर्सिविटी कोएर्सिविटी थोड़ा लॉजिकली भी समझ में कि की co कोर्स कर रहे हैं यानी कि हम फोर्स कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए बाय अपलाइंग दिस मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड के बजाय ये जो भी ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी है तो इस चीज को हम कोर्सिविटी बोलते हैं तो कोर्सिविटिव यहाँ पे फिफ्टी एम्पियर पर मीटर ये बेसिकली एच का यूनिट है तो यहां तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला में आएगा सैचुएशन मैग्नेटिक फील्ड भी टेस्ला में आएगा यहाँ पे रिटेंटिविटी भी टेस्ला में आएगा लेकिन इस ग्राफ पे जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपन यूनिट है यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी है तो इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर होगा तो यहाँ पे ये इसमें फिर होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्टार्ट करें तो फिर से सैचुएशन आ जा रहा है और यहां से आया होगा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फुली मैग्नेटाइजेशन हो चुका होगा और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही हो जाएगा 1.5 जो ऊपर सैचुएशन था अब यहाँ से फिर से अगर अपोजिट अपोज मैग्नेटिक फील्ड घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा ये कुछ रह जाएगा और ये जो रहेगा इसी को हम रिटेंटिविटी बोल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में उतना मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करना है तो अब मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा कोर्स करके जीरो करने के लिए तो ये वाला फिर से वो कोर्सिविटी वाला वैल्यू है तो जो ग्राफ होता है अब नया जो ग्राफ होगा वो यहां से स्टार्ट होगा तो एक बोलते हैं कि ये पूरा जो लूप है ये यह यहां से यहां डीमैग्नेटाइज यहां यहां हो गया, यहां से यहां 전, हुआ, यहां से यहां गया। तो ये एक लूप पूरा हुआ लेकिन ये लूप से फिर अगला लूप तक हम जाएंगे तो वो फिर यहां से स्टार्ट होगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पाथ आएगा तो हर एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिमैगन में इसका जो एनर्जी लॉस होता है वो एरिया अंडर द कर्व से एनर्जी लॉस आता है तो इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है वो मैंने यहां पे लिख रखा है अभी मैंने समझाया तो एक हमें मिलता है कि इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो डिसिपेशन बताता है ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ये वाला पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी बोलते हैं इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है उसको हम क्वेसिविटी बोलते हैं तो इन टर्म्स का मतलब ध्यान होना चाहिए ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं तो ये इस साल का जो जेई मेन था था उसमें आया हुआ क्वेश्चन एक फिर इसका एप्लीकेशन है कि डिपेंडिंग ऑन का कर्व कैसा है उससे हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह के चीजों के लिए हम कैसा मटेरियल यूज करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका डिमैग्नेटाइज करना मुश्किल है यानी कि रिटेंटिविटी तो हाई होनी चाहिए यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो भी मैग्नेटिक फील्ड रह जाए और उस मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना भी बड़ा मुश्किल हो यानी कि हाई कोएर्सिविटी एसिविटी तो ऐसे मेटीरियल से हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं जिनकी रिटेंटिविटी लो हो यानी कि अगर हम मैग्नेटीफी इक्ट्रो मैगनेट्स का मतलब समझ में आ रहा है ना कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रो मैगनेट्स बनाने का तरीका होता है कि किसी भी सोलिनॉइड के अंदर एक मटेरियल डाल दो और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाए इलेक्ट्रो मैग्नेट बन जाए तो उसमें होता है कि जब तक हम करंट फ्लो करा रहे हैं तब तक वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और करंट जीरो करते हैं तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करना बंद हो जाता है यानी कि करंट जैसे ही जीरो किया वैसे ही वो डीमैग्नेटाइज हो जाए तो उसके लिए रिटेंटिविटी उसकी कम होनी चाहिए रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए तो इसके लिए हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं और परमानेंट मैग्नेट बताने के लिए कुछ हम हार्ड आयरन यूज करते हैं हार्ड आयरन या स्टील स्टील यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के लिए ट्रांसफॉर्मर्स में जैसे होता है ना कि ट्रांसफॉर्मर्स में जो मटेरियल होता है उसका सक्सेसिवली मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है

अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, में कितना मैग्नेट फील्ड लगाना पड़ेगा तो वही क्वेटिविटी था तो बोल रखा है कि इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमने एक सोलनॉइड का यूज किया है तो सोलनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड सोलनॉइड के अंदर जो हो जाएगा वो जाएगा म्यूनोट एन आई तो इसी मैग्नेटिक फील्ड से हम डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं बट जो क्वेसिविटी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यूनोट होता है यानी कि क्वेसिविटी की वैल्यू जो हो जाएगी वो इसको एन इन टू आई म्यूनोट से डिवाइड करना पड़ेगा

इस मैग्नेटिज्म वाले जो दो चैप्टर्स थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म एंड मैटर तो हमने लगभग सारे पॉइंट्स को टच कर लिया और लगभग हर कॉन्सेप्ट तो को अच्छे से समझोगे और एक बार फिर से रिवाइज करोगे तो जी मेन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा डिस्कशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आई होप ये सेशन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहा है अगर बेनिफिशियल रहा है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो तुम अपना कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हो बाकी ये डिस्कशन का जो नोट्स है वो नोट्स इस वेबिनार के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा तो उस नोट्स को लेना सारे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके देखना जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उन कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से फिर से रिवाइज करना सो so दैट एक ऑथेंटिक सा कम्प्लीट रिविजन तुम्हारा हो जाए थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन वेस्यू ऑल द बेस्ट फॉर जयमेन